हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार है। आप सभी भावी खाद्य सुरक्षा अधिकारी और सभी भावी कृषि पर्यवेक्षकों का उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। जुड़े विद्यार्थियों में किरण चौधरी जी, कस्तूरी जी, दुर्गा, प्रशांत, कृष्ण कुमार जी, सभी विद्यार्थियों को नमस्ते, सभी को राम राम। आज के इस सेशन को एक बार फटाक से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फिर चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में 351 याद रखिएगा नंबर 351 351 वो क्वेश्चन जो आपको दिख रहे होंगे, ऑल आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे लगी हो एग्जाम एओ की, चाहे लगी हो डबल एओ की या एआरओ की, चाहे लगी हो आपके डबल एआरओ की या लगी हो जिसको कह सकते हैं फर्स्ट ग्रेड आपके एग्रीकल्चर के टीचर की, किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर की एग्जाम जो आरपीएससी ने करवाई है, और अगर उसका टॉपिक, उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम, उसका बिंदु अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर के पेपर से मिलता जुलता रहा है तो वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यह ध्यान रखना है। निश्चित रूप से आज का यह सेशन आपके लिए विशेष होने वाला है और यहां के सेशन से निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्पीड रहेगी हमारे रॉकेट की तरह, राफेल की तरह स्पीड रहेगी, तो फटाफट क्वेश्चन को क्लिक करते रहिएगा, अपने मेंडुला उबला गेटा में स्टोर करते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नटखट देखिएगा, नटखट किस्म, नटखट छोटे बच्चों को कहते, बाल गोपाल को कहते हैं, यानी कि नटखट किसकी किस्म है, गुलाब की। गुलाब में अलग अलग प्रकार का गुलाब है, तो देखिएगा मिनिएचर, बिल्कुल मिनिएचर यानी कि छोटा नटखट बेबी, ये ध्यान रखना, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बेर में व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। आपको पता है कि बेर में क्या होता है, बडिंग होती है, इसे गरीब का फल कहा जाता है, ये ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं, गरीब का फल कहते हैं। ये क्या है, ये शुष्क जलवायु का फल है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन, जयपुर में इसका उत्पादन होता है, ये ध्यान रखना। भरतपुर में इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर पूछा है कि बेर का व्यावसायिक प्रवर्धन, इनार्चिंग जो होता है वो आपके आम में होता है, टी कलिकाइन गुलाब में, चिप बडिंग आपके अंगूर में, क्राउन या टॉप ग्राफ्टिंग होती है पुराने पौधों को सुधारने के लिए, यहां पर रिंग बडिंग ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, टी बडिंग, तो बी इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना। साथ साथ नोट करते रहना जो आपके देख सकते हैं। आइएगा फटाक से अगले क्वेश्चन पर आपके स्क्रीन पर, भारत में कौन सा राज्य ऊन के उत्पादन में पहला स्थान है। देखिएगा यहां हम बात कर लेते हैं राजस्थान की, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान किस किस में फर्स्ट पोजीशन है, राजस्थान दूध के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान बाजरे के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, राजस्थान सरसों के उत्पादन में पहला स्थान है, राजस्थान का ऊन के उत्पादन में, राजस्थान तिल के उत्पादन में, यह ध्यान रखना, राजस्थान तिल से याद आया, तिलहन के उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान क्या है, ऊन के उत्पादन में पहले स्थान पर है, ये कुछ पहले स्थान वाले हैं आपके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आरपीएससी के एग्जाम में पूछे हैं, फटाफट क्लास को भी लाइक और शेयर करते रहिएगा। अमरूद फल का प्रकार है, देखिएगा अमरूद आपके सिलेबस में है, यहीं पर लिख लीजिएगा अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, ये ध्यान रखना, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, तो ध्यान रखना अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, पहला अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र वर्तमान में चल रहा है वो देवड़ावास टोंक में है, ये ध्यान रखना कहां है, देवड़ावास टोंक में है। दूसरा आपके कहां है, सवाई माधोपुर में है, और ये सवाई माधोपुर में क्या है, प्रस्तावित है, ये ध्यान रखना क्या है, सवाई माधोपुर में ये प्रस्तावित है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर सरस या बेरी, अष्टिल, अष्टिल आपके आम का है, आम आपके सिलेबस में है, गिरी आपके ड्राई फ्रूट्स में आता है, बेलुस्टा आपके अनार में आता है, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर यहां पर क्या है, सरस है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आम की किस्म अरुणिका, दो होती है, एक अरुणिका एक अंबिका, ध्यान रखना अंबिका बड़ी है, ये ध्यान रखना अंबिका बड़ी है, और बड़ी है तो देखिएगा पहला मौका इसी का है, ऐसे अंबिका ऐसे आम्रपाली, ये ध्यान रखना। क्रॉस किसका है, इसको आया जनार्दन पसंद, ये ध्यान रखना। तो जब जनार्दन इसको पसंद आ गया तो छोटी बहन नाराज हो गई, छोटी बहन का नाम है अरुणिका, और नाराज हो गई तो ये कहां चली गई, ये ध्यान रखना, ऐसे अरुणिका आम्रपाली, और ये नाराज होकर के चली गई वन के राजा के पास, वनराज। अंबिका और अरुणिका दोनों को क्रॉस पूछा जा सकता है, अंबिका और अरुणिका दोनों की दोनों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर आपके कहां से है विकसित, अगर देखो तो आप कहां से विकसित हुई है, लखनऊ से विकसित है, ये ध्यान रखना है आपको।
आई ए आर आई कहाँ है मेरे प्यारे? आई ए आर आई दिल्ली है। सी आई ए एस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है? ये बीकानेर में है। और सी आई एस एच आपका लखनऊ में है। और यहाँ देखिएगा आई आई एच आर ये आपका कहाँ है? ये हैसरगट्टा आपके बेंगलुरु में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी सी क्लास की स्पीड जरूर ज्यादा रहेगी, ये ध्यान रखना है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 351 क्वेश्चन अपने को इस सेशन में करने हैं। राइट आंसर सी आई एस एच। फिर भी कोई अगर आपके थोड़ी सी दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी 3R ऋण प्रस्ताव शामिल नहीं है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए? ध्यान रखना, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राम राम रेखा जी, राम राम। RRR इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। RRR ये ध्यान रखना, क्या है? 1, 2 और 3R, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? निवेश का प्रतिफल, रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्ट किया तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, मुझे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नोट्स चाहिए। उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उत्कर्ष के ऐप को परचेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा, रिटर्न करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपको इनकम मिलेगा। राइट है, पहला आर क्लियर है। रीपेमेंट कैपेसिटी, कोई भी बिजनेस आपने करेंगे तो उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए। तो दूसरा आर, अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो ध्यान रखना रिस्क की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। तो रिस्क लेगा, जो रिस्क लेगा वही क्या करेगा आगे आके जाकर के सारा सब कुछ, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब है पूंजी पुनर्ग्रहण, रीगेन ऑफ कैपिटल, इसका RRR से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। रिटर्न, आपने इन्वेस्ट किया, रिटर्न मिलेगा। रीपेमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए और रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहां पर डी राइट आंसर है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के सभी विद्यार्थी इसको लिख लेना, RRR का मतलब है रिटर्न, रीपेमेंट और रिस्क। ध्यान रखना RRR का मतलब, एग्रीकल्चर में RRR यानी कि इकोनॉमिक्स में RRR का मतलब होता है आपके पास क्या होना चाहिए? रिटर्न, रीपेमेंट और रिस्क। ध्यान रखना रिटर्न, रीपेमेंट और रिस्क, RRR का मतलब ये ध्यान रखना है आपको। टमाटर में हाइब्रिड किस्म का बीज कितना होता है? वैसे टमाटर की सीड रेट होती है 400 से 500 ग्राम, लेकिन यहां पर हाइब्रिड की बात करें 150 से 200, 250 से 300, 400 से 500, 600 से 700, ये होती है आपके फूल गोभी की, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये टमाटर और बैंगन की होती है, या ध्यान रखना हाइब्रिड के लिए पूछा है 150 से 200, वैसे होती 250 ग्राम है, लेकिन 250 यहां 250 से 300 है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ए इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल ए सही जवाब है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिब्बाबंदी के जनक आपके कौन है? तो ये ध्यान रखना, डिब्बाबंदी का जनक कौन है? निकोलस एपर्ट, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, पैराक्वाट क्या है? पैराक्वाट हर्बिसाइड और ग्लाइफोसेट। ध्यान रखना पैराक्वाट आपको ध्यान रखना, डाइक्वाट आपको ध्यान रखना, ग्लाइफोसेट ये ध्यान रखना, कौन सा? ग्लाइफोसेट। तो मेरे प्यारे ये क्या है? सारे के सारे हर्बिसाइड है, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या है? हर्बिसाइड। कीटनाशी में ध्यान रखना क्लोरोपाइरीफास, मेलाथियन, ये आपके क्लोरोपाइरीफास के हैं। फंजीसाइड में अगर देखेंगे तो मैनकोजेब आपका एक फंजीसाइड है, कार्बनडाजिम एक आपके फंजीसाइड है। ग्रोथ रेगुलेटर्स में आप सभी जानते हैं, ये ध्यान रखना आपका। अगला क्वेश्चन, मूंगफली की अगेती बुआई का समय है, मूंगफली की बुआई अगेती। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आरपीएससी है, देखने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आरपीएससी का जो आंसर है उसकी बात कर ले। अप्रैल का पहला सप्ताह बिल्कुल नहीं की जाती मूंगफली। ध्यान रखना एक आपके क्या है? मूंगफली एक तिलहनी फसल है, ये ध्यान रखना। मूंगफली क्या है? एक तिलहनी फसल है, ये ध्यान रखना। गुजरात में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, गुजरात के बाद राजस्थान दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन इसका मेरे प्यारे बीकानेर में होता है, बीकानेर के बाद दूसरा स्थान जोधपुर का आता है, ये ध्यान रखना है आपको। अप्रैल में नहीं होती, मई का द्वितीय सप्ताह भी नहीं आएगा, यह ध्यान रखना। जून का पहला सप्ताह यहां पर नहीं है, अगेती के रूप में जून का लास्ट ऑफ वीक, यानी कि आपके यहां कहा गया है कि 20 जून से लेकर के जुलाई का प्रथम सप्ताह, यह ध्यान रखना है। ठीक है, देखने में थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन मेरे प्यारे आरपीएससी ने इसका राइट आंसर डी माना था। रेडी एंड रेडी की बुक, रेडी एंड रेडी की बुक में बाकायदे साफ लिखा हुआ है कि जून का तृतीय सप्ताह या लास्ट वीक ऑफ जून इसकी अगेती खेती के लिए माना गया है, ये ध्यान रखना। किस में लिखा हुआ है? रेडी एंड रेडी की बुक में लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसे रेशे की वस्त्रों की रानी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। सर पेपर कब है एफएसओ का? वेरी गुड रब्बा स्टेटस जी, बिल्कुल जी आपने बहुत सही कहा कि आपके जिसको कह सकते हैं क्या है ये पेपर कब है। तो मेरे प्यारे ये पेपर
कल सुबह 10 बजे यानी कि 10:30 से लेकर के ये पेपर है आपके, जिसको कहा जा सकता है तो 12 या 12:30 बजे तक ये ध्यान रखना है। आइएगा, किस रेशे को वस्त्रों की रानी कहा जाता है? देखिएगा, किंग ऑफ फाइबर, किंग ऑफ फाइबर जो कहते हैं वो रेशे किसको कहते हैं? कपास को। कपास को कहा, क्या कहा जाता है बेटा? रेशों का राजा कहते हैं, ये ध्यान रखना। पटसन जूट फाइबर, सनई का रेशा, या देखिएगा रेशम का रेशा, सिल्क फाइबर, जो सिल्क फाइबर होता है, सिल्क फाइबर को क्या कहा जाता है? आपके सिल्क फाइबर को कहा जाता है रेशे को वस्त्रों की रानी, इसे क्या कहते हैं? वस्त्रों की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है, तो वस्त्रों का राजा कपास को कह देना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जूट फाइबर की बात करो तो इसे क्या कह देते हैं? सुनहरा रेशा कह देते हैं इसे, इसे सुनहरा रेशा कह देते हैं, इसे गोल्डन फाइबर कह देते हैं, ये ध्यान रखना। क्या कह देते हैं इसे? गोल्डन फाइबर कह देते हैं। राइट आंसर क्या है इसका? डी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना। बिल्कुल 10 से 12:30 9 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाना है, अगर कोई लेट हो गया तो एफएसओ से रह जाएगा। गेहूं के लूज स्मट स्टिलेगोट्रिटिसाइड, ध्यान रखना, गेहूं में होता है एक तो होता है लूज स्मट, ये ध्यान रखना, गेहूं में लूज स्मट, और दूसरा होता है फ्लेग स्मट, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एफएसओ के एग्जाम में मैं कह सकता हूं कि आज के 350 में से 351 में से 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन आपको हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो लूज स्मट के खिलाफ और उपचार की सिफारिश किसने की? देखिएगा, ईजे बटलर साहब को हम कहते हैं भारत में आपके जनक कहा जाता है पैथोलॉजी का, ये ध्यान रखना है। फादर ऑफ पैथोलॉजी का क्या कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अरे 26 अक्टूबर थी वो, मैंने करेक्शन करवा दिया था, उसमें यूट्यूब की क्लास पर पैनल भी लगाई थी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइएगा, अरे सौरभ जी उसको करेक्शन करवा दिया आपके यूट्यूब चैनल पर, आपके सौरभ पठानिया जी उसका करेक्शन करवा दिया था आपको, बाकायदे गहलोत जी का एक फोटो लगा हुआ आपके लेकर के आए थे, भाई कोई बताना जो आपके साथ में थे इनमें से, कोई बताना। तो ध्यान रखना, ईजे बटलर को हम जनक कहते हैं रोग विज्ञान का, भारत में क्या कहते हैं इन्हें? रोग जनक का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एम के पटेल, रंगास्वामी, लूथरा और उनके सहयोगियों को क्या कहते हैं? लूज स्मट की इन्होंने आपके बात की थी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्याज की खरीफ में कौन सी किस्म है? तो ध्यान रखना, प्याज, प्याज की अगर बीज दर पूछ ले आपसे तो बीज दर होती है 8 से 10 केजी, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर खरीफ प्याज की बीज दर पूछ ले तो खरीफ प्याज की बीज दर आपको बेटा 10 से 12 या 12 से 15 केजी के आसपास का आंसर लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे पूछा है कि खरीफ का प्याज, खरीफ की प्याज की बात कर ले तो प्रमुख रूप से राजस्थान में अजमेर और आपका दूसरा अलवर, यहां पर बात कर लेते हैं प्याज। तो ध्यान रखना, प्याज का अगर क्षेत्रफल देखोगे मेरे प्यारे, तो क्षेत्रफल में आपके कौन है अग्रणी? अलवर है। लेकिन उत्पादन में देखोगे, प्याज का अगर उत्पादन आप देखना चाहोगे और उत्पादन जोधपुर में दिखेगा, एक और परिवर्तन जो सबसे बड़ा मैंने करवा तो दिया था, यह ध्यान रखना, राजस्थान में सब्जियों का उत्पादन, राजस्थान में सब्जियों का उत्पादन ध्यान रखना क्षेत्रफल में, यह ध्यान रखना, आज भी पहले स्थान पर हमारी राजधानी जयपुर है, लेकिन बेटा उत्पादन में मामला बहुत परिवर्तन हो गया, सिक्कर उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया, जोधपुर को पछाड़ करके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहां पर अर्का कल्याण इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट होगा उसका बताना जरूरी हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। वर्षा आश्रयों का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? हिंदी में बड़ी हिंदी है, ये ध्यान रखना, वर्षा आश्रयों का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? रेन शेल्टर्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन, किसकी बात कर रहा है? रेन शेल्टर्स की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इस चीज का ध्यान। बिल्कुल रिया जी, सिक्कर आपका हो गया पहले स्थान पर। दाल और तिलन, पल्सेज एंड ऑयल सीड, सब्जियां, फूल और फल, वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट्स, तो बिल्कुल सही है आपका, इसका राइट आंसर क्या है? रेन शेल्टर जो है वेजिटेबल्स, फ्लावर और फ्रूट्स के लिए है, ये ध्यान रखना है आपका। सिक्कर का रसीद पूरा प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, स्लिप अवस्था किस सब्जी के लिए एक परिपक्वता का सूचकांक है? स्लिप स्टेज, स्लिप का मतलब होता है पिसलना, टूटना, अपने आप देखिएगा आप चल रहे थे स्लिप हो गए, ये क्या है? तो ये खरबूजे का आपका क्या है? मेच्योरिटी स्टेज। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है? एन, पी और के, ध्यान रखना प्राथमिक पोषक तत्व है, ये ध्यान रखना, सी ए, एम जी और एस, ये द्वितीयक पोषक तत्व है, तो द्वितीयक पोषक तत्व सल्फर है, ध्यान रखना। एक सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम आती है, इस सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम में
19 फरवरी 2015 का इसका इनॉग्रेशन होता है। इसमें 12 तत्वों 12 इंडिकेटर्स की जांच होती है, यह ध्यान रखना है। स्वस्थ धरा खेत हरा इसका आदर्श वाक्य है। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपके सिचुएटेड कहाँ है? तो भोपाल, मामा जी के यहां पर क्या है जिसको कह सकते हैं भोपाल में इसका मुख्यालय है, इसे कहा जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, ये ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर है। जबलपुर में ध्यान रखना खरपतवार निदेशालय है, ठीक है। झांसी में आपके इगफ्री IGFRI इगफ्री इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको ध्यान रखना है। रुड़की में आपके IIT है, तो राइट आंसर इसका क्या कर लेंगे, ए राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूसा हिम ज्योति, देखिएगा पूसा हिम यानी बर्फ ज्योति जो आपके सर्दियों में आपको देखने को मिलेगी, तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए फूलगोभी की अनुकूल वेराइटी है, ये ध्यान रखना किसके लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए फूलगोभी की अनुकूल वेराइटी है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की नियमित मंडियों का कार्य है, ध्यान रखना एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपको याद होगा, मार्केटिंग मैं कह सकता हूं आज के इस सेशन से एग्रीकल्चर मार्केटिंग का अगर कोई क्वेश्चन फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछा तो आपके इसी क्लास में से होगा, यह ध्यान रखना आपको, ठीक है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के विद्यार्थियों को बता दूं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्वेश्चन RPSC ने जो पूछे हैं इसी पेपर में देखने को मिलेंगे और हूबहू कल के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असाइंड वर्क ऑफ द रेगुलेटेड मार्केट कमिटी इन राजस्थान, राजस्थान की जो नियमित मंडियां हैं उनका कौन सा काम नहीं है, गांव से मंडियों तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना, मेरे प्यारे गांव से लेकर के मंडी तक आपके परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना इसका काम नहीं है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। गांव से मंडियों तक परिवहन सुविधा, परिवहन मुझे अगर मेरा सामान बेचना है तो मुझे ही गाड़ी किराए करके लेके जानी पड़ेगी, यह ध्यान रखना ये इसका काम नहीं है। हाँ रोड बनाना, रोड बनाने में आपके जैसे नाबार्ड और इन मंडियों की भूमिका जरूर होती है। कृषकों और विपणन मध्यस्थों के विवाद को निपटाना मंडी का काम है। कृषि उत्पादों हेतु आधुनिक भंडारण सुविधा मंडी का काम है। उपज के भुगतान हेतु तत्काल व्यवस्था की जाए ये भी इसका काम है, ये ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर क्या है इसका, ए है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, भूरी रेतीली ब्राउन सैंडी सोइल, काली मृदा ब्लैक सोइल, सैंडी सोइल या रेड लोमी सोइल। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सी है, भूरी रेतीली मृदा आपके राजस्थान में, ये ध्यान रखना आपको दिखाई देगी, ध्यान एरिडी शोल नहीं है, एरिडी शोल विश्व में है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या है राइट आंसर आपका, ये ध्यान रखना ब्राउन सैंडी सोइल राजस्थान के प्रमुख रूप से 12 जिलों में देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना। सिंदूरी भगवा किसकी किस्म है, तो देखिएगा सिंदूरी किसकी है, अनार की है, ये ध्यान रखना। बेर की किस्म है एक थाई एप्पल, ये ध्यान रखना, ठीक है थाई एप्पल। अगला क्वेश्चन केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान किस शहर में, याद रखना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, अगर ये पूछा जाए तो ये लखनऊ में है, ये लखनऊ में है। एक आता है आपके डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इसका नया नाम अगर आप देखेंगे तो इसका नया नाम नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, ये ध्यान रखना। ये आनंद गुजरात में है, ये ध्यान रखना, ये आनंद गुजरात में है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या करोगे इसका, लखनऊ कर लो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहां है, लखनऊ में है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आंवले की परागक किस्म कौन सी है, पोलिनेटर वैरायटी ऑफ आंवला, देखिएगा आंवले की एक ऐसी किस्म जिसमें क्या पाया जाता है, पोलन्स की मात्रा आपके पोलन्स ज्यादा होते हैं, इनमें से कौन सी है, ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल हिनु जी राइट है। हाथी झूल, इस हाथी झूल को अगर देखा जाए तो फ्रांसिस के नाम से जाना जाता है और यह आंवले की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें आपके सबसे ज्यादा पोलन्स पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। बलवंत इसकी अगेती वैरायटी है, चकैया ध्यान रखना, चकैया इसकी क्या है, पछेती वैरायटी, चक्र को धारण करके कर्षण चल दिए कहां पर, भावनी सागर, ये ध्यान रखना, बलवंत ने गोमा से कहा ये आपको ध्यान रखना, तो चकैया इसकी पछेती की समय, राइट आंसर आपका इसका ए है। अगला क्वेश्चन भारत में कुल कृषि आय में पशुधन का हिस्सा, भारत में कुल कृषि आय में, भारत में टोटल जो एग्रीकल्चर है उसमें पशुपालन का कितना हिस्सा है, आइएगा आगे बात कर लें। देखिएगा भारत में अगर देखा जाए तो भारत में एग्रीकल्चर का लगभग 18.84% हिस्सा है, इस 18.84 में उद्यानिकी का अप्रोक्सीमेटली 30% है,
पशुपालन का अगर देखेंगे तो लगभग पशुपालन का आज के समय में 27% के आसपास दिखाई देगा, यहां पर 22 मैक्सिमम है, तो राइट आंसर ये है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में बीज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बनारसी, अरे भाई बिल्कुल बनारसी अगेती है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, द सीड एक्ट वाज पास इन विच ईयर ऑफ इंडिया, तो 1966 में पास हुआ था, 1969 में लागू हुआ था, ये ध्यान रखना। लागू का अगर पूछ ले तो लागू कब हुआ, 1969 में अक्टूबर में, अक्टूबर में ही होता हमारे यहां पर सबसे ज्यादा लागू, 2 अक्टूबर को। गंवार पाठा या ग्रत कुमारी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, गंवार पाठे को ग्रत कुमारी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। द ओरिजिन प्लेस ऑफ इंडिया एलोय, उत्तरी अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, एलोवेरा यानी कि आपके जिसको कह सकते हैं ग्रत कुमारी का उत्पत्ति स्थल हमारा भारत है, इसकी सर्वाधिक खेती चूरू में होती है। खनिज मृदाओं में जीवांश पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है, परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मिनरल सोइल, ध्यान रखना कौन सी है, खनिज मृदा में पूछ रहा है, ये ध्यान रखना आपको, बताइएगा खनिज मृदा में जीवांश पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है, देखिएगा 20% से कम, 28 से कम, 32 से कम या 40 से कम। तो देखिएगा दो प्रकार की, एक होती है जीवांश मृदा, अगर कहा जाए तो जीवांश मृदा में अगर आपसे पूछ लेता कि जीवांश मृदा में आपके जो ऑर्गेनिक सोइल है उस ऑर्गेनिक सोइल में आपके ऑर्गेनिक मैटर की बात कर लेता ये, तब आपके वहां जिसको कह सकते हैं। अब यहां देखो ये दो तो नहीं होंगे, इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो होती है 20% से कम पर, एक होता है 20% से कम और एक होता है 20% से ज्यादा, ठीक है, 20% से कम और एक होता है 20% से ज्यादा, तो यहां पर इसका राइट आंसर 20% से कम पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कीट वयस्क अवस्था में नहीं खाता, एडल्ट होने पर नुकसान नहीं पहुंचाता, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट फीड ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज, लाख कीट, लेसिपर लेखा, जिसे हमारी मातृ शक्ति की क्या होती है आपके, ये ध्यान रखना, लाख के बैंगल्स बनाए जाते हैं, मैंगो मिलीबग, तो मैंगो मिलीबग का निम्फ और एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाते हैं, गंदी बग आपके देखा जाए तो सरसों आपके उसमें दिखाई देगा, धान में ये ध्यान रखना है आपके सरसों का, ये फिर तो यहां पर ध्यान रखना, लाख का कीट जो होता है वो एडल्ट अवस्था में नहीं खाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय अधिशेष को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के विद्यार्थी जरूर ध्यान रखना है आपको, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय अधिशेष को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, विक्रय अधिशेष का मतलब जिसे मार्केट में बेचा जा सकता है, किसान की अनाज उत्पादन की वह मात्रा जिसे वो मार्केट में बेचेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ मार्केट सरप्लस, ये ध्यान रखना, एक होता मार्केट सरप्लस, एक होता मार्केटेबल सरप्लस, ये ध्यान रखना है आपको, उत्पाद की मात्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, फार्म का आकार साइज ऑफ फार्म, कर्षक परिवार का आकार, देखिएगा कर्षक परिवार का आकार अगर बड़ा होगा तो वह कम बेच पाएगा, तो यह तो प्रभावित करता है, साइज ऑफ फार्म अगर फार्म छोटा होगा तो बेचने योग्य सामान भी कम होगा, यह भी प्रभावित कराए, उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद की गुणवत्ता मार्केट सरप्लस को प्रभावित करती है, लेकिन उत्पाद की जो खुद मात्रा है ये ध्यान रखना इसमें मार्केट सरप्लस में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ए है, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से सहयोगात्मक अधिगम की कमी है, यह आपके एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा, केवल कुछ ही विद्यार्थी इसमें जिसको कह सकते हैं, डी वाई राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि विपणन की विशेषता नहीं है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि विपणन की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आपके पेक्युलरिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, देखिएगा किसी विद्यार्थी को अगर कोई शंका लगती है तो आपको ध्यान रखना, उस क्वेश्चन के बारे में लिख देना कि सर इसको दोबारा देखना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेक्युलरिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला भारतीय कृषि विपणन की यह एक विशेषता है कि उसमें जो मध्यस्थ होते हैं, ये मध्यस्थ क्या होते ज्यादा पाए जाते हैं, बिल्कुल विशेषता है। मूल्य संबंधी ज्ञान का अभाव, बिल्कुल हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, मूल्य संबंधी ज्ञान का अभाव पाया जाता है। कृषक संगठनों का अभाव, बिल्कुल कृषक के संगठन नहीं होते। सहकारी विपणन की विकसित व्यवस्था, हमारे यहां पर वेल डेवलप्ड क्या नहीं है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, हमारे यहां पर क्या नहीं है,
वेल डेवलप्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम नहीं है तो यह हमारे यहां की भारतीय कृषि विपणन की विशेषता नहीं है, यह ध्यान रखना आपको। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से योगात्मक अधिगम ये अपना छोड़ दीजिएगा, ये क्या है, मार्केट सरप्लस है, ये ध्यान, मार्केटेबल सरप्लस नहीं है, मार्केटेबल सरप्लस नहीं, मार्केट सरप्लस है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसलिए ये क्या है, मार्केट सरप्लस में आपके उत्पाद की मात्रा, अब उत्पाद की मात्रा तो क्या है जिसको कह सकते 100 क्विंटल है, ये ध्यान रखना, तो 100 क्विंटल का 100 क्विंटल थोड़ी बेचा जाएगा वहां पर, मार्केटेबल सरप्लस नहीं है ये आपका। हाँ, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, नाबार्ड इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमिटी, तो देखिएगा 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर, यह ध्यान रखना आपको। ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फलों पर मोम लगाने का क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्स एप्लीकेशन ऑन फ्रूट्स, फ्रूट के ऊपर जो वैक्स होती है उसका क्या इंपोर्टेशन है, यह ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना, फलों पर मोम वैक्स लगाई जाती है उसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना, दिखावट में वर्दी, बिल्कुल सेव के ऊपर वैक्स लगी होती है तो उससे क्या होता है, उसकी चमक आपके ज्यादा होती है, तो राइट है। पानी की क्षति कम करना, बिल्कुल आपके वाटर लॉस कम होता है क्योंकि इवोपोरेशन आपका कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। निदाय आयु में वृद्धि, इंक्रीज ऑफ सेल्फ लाइफ, बिल्कुल सेल्फ लाइफ को बढ़ावा दिया जाता है, उपरोक्त सभी, तो ये सभी के सभी क्या इसके इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपको, कौन सा फल शुष्क और गर्म जलवायु से संबंधित है, जो आपके ड्राई और हॉट क्लाइमेट यानी राजस्थान की जलवायु के अनुकूल है, अनानास तो आपके नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगा, अनार, अंगूर, अंगूर आपके कौन से में, उष्ण जलवायु का, तो यहां पर अनार क्या है, तो ध्यान रखना इस जलवायु के अनुसार आपके कुछ फल लिख लो, राजस्थान में अनार, बेर, खजूर, फालसा, बेलपत्र, ये ध्यान रखना आपके बेलपत्र और लसोड़ा, एक करंट का क्वेश्चन जरूर याद रख लेना, काजरी के द्वारा एक वैरायटी विकसित है मरु समृद्धि, ठीक है, ये मरु समृद्धि किसकी वैरायटी है आपके ध्यान रखना, लशोड़े की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 4 फसलों को एक ही खेत में इस प्रकार उगाना कि पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले उत्तरवर्ती फसल बो दी जाए को क्या कहते हैं, एक को काटेंगे नहीं उससे पहले दूसरी बो दिया जाना, विशेष रूप से पेरा और उतेरा जिसको कह सकते हैं आपके बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पैरा और उतेरा जो आपको देखने को मिलती है, इंटरक्रॉपिंग, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को बोया जाना, रिले क्रॉपिंग, रेटून क्रॉपिंग, रेटून क्रॉपिंग आपके गन्ने में देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना, रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है एक के काटने से पहले ही दूसरे की बुआई कर दिया जाना, बी सही है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉपकॉर्न, ध्यान रखना यहां पर, जियामेज इंडियन टाटा इसे कहते हैं डेंट कॉर्न, ये ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है, डेंट कॉर्न, विश्व में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली और अगर देखा जाए तो आपके यूएसए में यही बोया जाता है, जियामेज एवर्टा, बिल्कुल जियामेज एवर्टा को पॉपकॉर्न कहते हैं, जिसे आप और आप सभी लोग कहां खाते हैं, जिसको कहा जाए तो सिनेमा हॉल में इसी का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। जियामेज सेकेराटा इसे मीठी मक्का कह सकते हैं, इसे स्वीट कॉर्न कह सकते हैं आपको, ये ध्यान रखना। जियामेज क्यूनिकाटा आपके एक आपको देखने को मिलेगा, इसका याद ध्यान रखना आपको। देखिएगा सस्यावर्तन के लिए आवश्यक है, क्रॉप रोटेशन इज एसेंशियल, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है फसलों को अदल बदल करके बोया जाना, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, बिल्कुल साफ मृदाओं की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्रॉप रोटेशन की आवश्यकता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, शब्द एगमार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये ध्यान रखना इसका पूरा नाम है, 1937 में इसका एक्ट आया था, नागपुर में इसका आपको देखने को मिलेगा, किससे संबंधित है, सब्जियों के उत्पाद की गुणवत्ता, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, बिल्कुल जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे उनके लिए क्या दिखाई देगा आपको, ध्यान रखना एगमार्क आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान में बाजरे की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है, सीड रेट केजी पर हेक्टेयर पर मिलेट इन राजस्थान, राजस्थान में अगर सीड रेट देखो तो 4 से 5 किलोग्राम दिखाई देगी, 4 केजी इसका राइट आंसर है। अगला, चने के क्षेत्रफल और उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, बात करेंगे इस क्वेश्चन की नहीं, यहां पर करंट डाटा की बात करूंगा, ये ध्यान रखना, करंट की स्थिति बताऊं तो ध्यान रखना महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये ध्यान रखना 3 स्टेट आपको दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना महाराष्ट्र एरिया और प्रोडक्शन में दोनों में पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र
करंट का डाटा मैंने करवा रखा है, ये ध्यान रखना है आपको, करंट का डाटा मैंने आपको करवा रखा है, इस चीज का ध्यान रखना है, करंट का डाटा करवाया हुआ है आपको, तो ध्यान रखना। चने के क्षेत्रफल और उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा पहले स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर कर लो महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, करवाया हुआ है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के सभी विद्यार्थियों को करंट का डाटा करवाया हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र एमपी राजस्थान, बिल्कुल मोनू जी बिल्कुल बेटा राइट आंसर है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के उत्कर्ष के ऐप लाइव में डाटा आपको करवाया हुआ है, ये ध्यान रखना है, करंट के डाटा ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, यहां ध्यान रखना। करंट डाटा के अनुसार बात करें तो महाराष्ट्र चने के एरिया और प्रोडक्शन दोनों में पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। करंट डाटा के अनुसार बता रहा हूं, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एरिया और प्रोडक्शन दोनों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। राजस्थान, यहां पर राजस्थान की भी आप बात कर लीजिएगा, चलिएगा, राजस्थान में अगर आप बात करोगे तो ध्यान रखना, राजस्थान में चूरू पहले स्थान पर है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, करंट की क्लास में मैंने करवाया था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। राजस्थान का टीक किसे कहा जाता है, रोहिड़ा, टीको मेला, अंडुलेटा को, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क जलवायु का फल नहीं है, अनार शुष्क जलवायु का है, बेल शुष्क जलवायु का है, आंवला शुष्क जलवायु का है, अंगूर उष्ण जलवायु का है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, उष्ण जलवायु का है, ठीक है भाई, ये ध्यान, चूरू बिल्कुल सही है आपका, महाराष्ट्र चने में सोयाबीन में बिल्कुल सही है आपका, करंट के डाटा करवाए हुए हैं। यदि केवल दो सिंचाइयों के लिए जल उपलब्ध हो तो गेहूं की निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिक वर्धी अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए, यह क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है, अगर इसी क्वेश्चन के अनुसार हमें आंसर देना होगा, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर देना होगा। वैसे देखा जाए अगर सिंचाई एक होती है तो क्राउन रूट इनिशिएशन पर, अगर दो होती है तो क्राउन रूट इनिशिएशन प्लस फ्लोवरिंग स्टेज पर दिया जाता है, इसी फ्लोवरिंग को बूटिंग स्टेज भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, क्या कहते हैं, बूटिंग। अगर तीन सिंचाई हो तो एक प्लस तीन प्लस पांच, आप कहेंगे एक तीन पांच क्या है, पहला सीआरआई पर, यह ध्यान रखना, उसके बाद में तीन नंबर पर, फिर पांचवें नंबर पर, यह ध्यान रखना है आपको। आइएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिएगा शीर्ष जड़, तो सीआरआई पर तो दिया जाएगा, कल्ले फूटते समय इसको काट दो, शीर्ष जड़ों के जमाव के समय यह भी काट दो, आएगा आंसर एक या तीन में से कोई सा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दाना सख्त बनते से मैं डप स्टेज पर नहीं, दूधी अवस्था पर करना पड़ेगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, मिल्किंग स्टेज पर नहीं होता, वैसे बूटिंग स्टेज पर होता है, तो राइट आंसर इसका क्या है, सी है। अरे भाई राफेल की रफ्तार से चल रही है, फिर भी आपको जिसको कह सकते, और क्या, राफेल से और कौन सी तेज गति से आती है, राजधानी, राजधानी से भी तेज भगता है। भारतीय गूजबेरी, इंडियन गूजबेरी किसे कहते हैं, इंडियन गूजबेरी आंवले को कहा जाता है, अमरूद को क्या कह देते हैं, उष्ण फलों में, उष्ण फलों का सेव कह दिया जाता है, इसे गरीब का एप्पल कह देते हैं, बेर गरीब का आप क्या कह देते हैं, गरीब का फल कह देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अनार, एक अनार सौ बीमार, ये ध्यान रखना है, बी इसका राइट आंसर है आपके। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड, बेंगलोर में क्या है, आई आई एच आर है बेंगलुरु में, बीजापुर में कुछ नहीं है, बीकानेर में आपका क्या है, सी आई ए एच बीकानेर में है, तो राइट आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन, द्विवर्षीय फलन एक मुख्य समस्या है, द्विवर्षीय फलन एक समस्या है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाइनियल बियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, अरे भाई जेट वालों के लिए कल कल की और बात है, ठीक है, अभी देर तक क्लास चलेगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, फिर मिलेंगे आपसे भी, ठीक है। तो बाइनियल यानी कि एक छोड़ करके एक, इसे कहते हैं एकांतर फलन, तो आम में क्या दिखेगा, एकांतर फलन दिखेगा, ये ध्यान रखना, एकांतर फलन है, ये ध्यान रखना। खजूर क्या है, तो खजूर एकलिंगी पादप है, ये ध्यान रखना, क्या है, एकलिंगी है, ये ध्यान रखना है आपको। खजूर का उत्पादन कहां होता है, खजूर का उत्पादन होता है जैसलमेर में सबसे ज्यादा, आम का सबसे ज्यादा उत्पादन वर्तमान में बांसवाड़ा में है, एरिया डूंगरपुर में है, और केले का उत्पादन सबसे ज्यादा चित्तौड़ में होता है, यह ध्यान रखना। भारत में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है,
आम का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, ये ध्यान रखना। बेर, बेर में आपका क्या है जिसको कहा जाए, तो बेर का उत्पादन आपको कहां दिखेगा, जयपुर में दिखेगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो करंट के आप में मैंने सात में बता दिए हैं आपके। ल्यूकेसिना, ल्यूकेसी फेला क्या है, अगर शेखावाटी से कोई हो तो वो जानता होगा, रूंज जिसे सह बबूल कहा जाता, रूंज जिसे सह बबूल कहते हैं, ध्यान रखना, रूंज जिसे सह बबूल के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये क्या है, खेजड़ी आपके प्रोसोपिस सिंड्रेरिया होता है, इजरायली बबूल नहीं, इसे कहा जाता है सह बबूल कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। बेर में एमपी, ठीक है आपका। अगला देखो, चित्तीदार और लखनऊ 49, चित्तीदार और एल 49, ये ध्यान रखना है। चित्तीदार और एल 49 की बात करें तो चित्तीदार पर धब्बे पाए जाते हैं, एल 49 को नेशन वैरायटी ऑफ आपके वो कहते हैं, इस एल 49 को ध्यान रखना, दूसरे नाम से जाना जाता है। सरदार किसकी वैरायटी है, अमरूद की वैरायटी है, ये ध्यान रखना। पूरे एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी असमर्थता रहेगी क्योंकि समय का अभाव रहेगा। मर्दुला किसकी किस्म है, जरूर ये बता दूं कि अर्का मर्दुला जो है, ये अर्का मर्दुला अमरूद की किस्म है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। लेकिन मर्दुला सिर्फ और सिर्फ अनार की किस्म है, ये को ध्यान रखना आपके, ये ध्यान रखना। रूबी, रूबी एक किस्म है अनार की, उसको जरूर याद रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से निकली हुई, अरे मेरे प्यारे, 2020 और 21 में आपके उदयपुर था, 21 और 22 में, आज करंट के आंकड़ों के अनुसार उदयपुर के जगह बांसवाड़ा पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखना है। आम की बीज रहित किस्म कौन सी, आम्रपाली, यह हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये ध्यान रखना। सघन रोपण के लिए आम की एक किस्म है लंगड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लोवर आते हैं, लेकिन फिर भी फ्लोवर जड़ने की सबसे ज्यादा समस्या इसी में होते हैं, बिल्कुल पूसा रूबी टमाटर की है, राइट है। सिंधु आपके सीडलेस वैरायटी, इसकी गुटली बहुत छोटी पाई जाती है, ये ध्यान रखना। दशहरी उत्तरी भारत में आम की एक किस्म है, राइट आंसर इसका सी है। सिंधु का क्रॉस आपके आर ए एस आपको याद रखना है। बेर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय कौन सा है, बडिंग कब करेंगे, ध्यान रखना। अगर पुर्निंग पूछ ले तो पुर्निंग आप बता देना 15 अप्रैल से 15 मई तक की जाती है कटाई छटाई, लेकिन पूछा बडिंग का समय, बडिंग की जाती है वर्षा ऋतु में, ये ध्यान रखना है आपको। ग्राफ्टिंग में पौधे का निचला भाग क्या कहलाता है, देखिएगा पौधे में परिवर्धन होता है, दो भाग होते हैं, ऊपर का भाग प्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसे साइन के नाम से जाना जाता है, नीचे का भाग जिसे रूट स्टॉक के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना। साइन ऊपर का भाग है, ये ध्यान रखना, इसे क्या कह देंगे, स्टॉक कह देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोबारा रिपीट हुआ आपके, ध्यान रखना, किसके द्वारा, बेर का व्यावसायिक परिवर्धन बडिंग के द्वारा होता है, ये रहा टी बडिंग। अगला क्वेश्चन, आम के परिवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है, आम के परिवर्धन की व्यावसायिक विधि वीनियर ग्राफ्टिंग है, ध्यान रखना। उत्तर भारत के परिवर्धन की व्यावसायिक विधि है, दक्षिण भारत में इनार्चिंग है, महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र और गुजरात में एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग कहा जाता है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग आपके आम में होती है, जिसे इन सीटू मेथड के नाम से जाना जाता है, बीज के द्वारा आपके पपीता में होता है, ये ध्यान रखना है, ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अनार में फल फटने का मुख्य कारण, फलों के फटने का मुख्य कारण डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, फल मक्खी किसका है, कार्पोमिया वेसुवियाना इज ए मेजर पेस्ट ऑफ बेर, ये ध्यान रखना, ये किसका है, बेर का है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, मैक्सिमम विटामिन सी फाउंड इन बारबाडोस चेरी, या इसे विंटर चेरी आप कह सकते हैं, ये ध्यान रखना, बारबाडोस चेरी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपके मैक्सिमम विटामिन सी किसमें पाया जाता है, एस्कोर्बिक एसिड आंवड़े में पाया जाता है, आंवड़े का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर जिले में होता है, ये ध्यान रखना। अनार का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के बाड़मेर जिले में होता है, अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में, बेलपत्र का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद जिले में आपको दिखाई देगा। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख सोर्स क्या है, तो देखिएगा नहर, नहर से गंगानगर और हनुमानगढ़ में, तालाब से आपका भीलवाड़ा वाला क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई आपके नल और नलकूपों से होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, नल और नलकूपों से होती है। बेटा पीहू जी, बिल्कुल रूप से मैं समझ सकता हूं आपके क्या है जिसको कह सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि स्पीड जरूर ज्यादा है, लेकिन जिसको कह सकते हैं क्या करें, स्पीड ज्यादा है आपके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड नहीं रहेगी तो फिर अपन कवर नहीं कर पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या है, कुएं और नलकूप इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। क्लास को लगातार जिसको कह सकते हैं शेयर करते रहें, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें। सरसों के डबल जीरो किस्म, यूरिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा
कितनी पाई जाती है, संबंधित लिमिट्स आपको बतानी है। देखिएगा 00 वैरायटी में, ये ध्यान रखना है आपको, 00 वैरायटी जो कि आपके कैनोला मुक्त, आपके कैनोला वैरायटीज कहते हैं, 00 खुद 00 एक क्या है, वैरायटी है जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, ये ध्यान रखना आपको। पूसा, आपके पूसा के नाम से दो वैरायटी है, ये ध्यान रखना आपके, एक 31 और एक 32, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहां पर 2% से कम और 30 ppm से कम आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या है इसका राइट आंसर, आपका बी नजर आएगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय द्वारा नामित देश का पहला ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी कहां स्थित है। गुजरात में भारत का पहला ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रखना, और पहला एग्रो आपके ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में है, ये ध्यान रखना आपको। कहां? गुजरात के वडोदरा में भारत का पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। राजस्थान में बाजरे के बाद सबसे अधिक उगाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक अनाज, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित अनाज, तो ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित अनाज में बात करोगे तो गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है, गेहूं के बाद हमारी यहां पर बाजरा पैदा होता है, बाजरे के बाद हमारी यहां पर सरसों पैदा होता है। अब इसने पूछा है कि राजस्थान में बाजरे के बाद सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला, यानी कि अगर पूछ ले क्षेत्रफल के अनुसार, तो राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बाजरे को उगाया जाता है, बाजरे के बाद में गेहूं को उगाया जाता है, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यह ध्यान रखना, सी इसका राइट आंसर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, गेहूं का, फिर बाजरे का, फिर सरसों का। राजस्थान में सबसे ज्यादा एरिया किसका है, बाजरे का, फिर गेहूं का, ये ध्यान रखना आपको। इकरी सेठ की स्थापना राजस्थान, भारत में स्थित एकमात्र अंतरराष्ट्रीय एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट 1972 में हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप C4 है, राइस C3, गेहूं C3, आपके अरहर C3, एकमात्र जिसको कह सकते हैं आपके क्या है, चोलाई अमरेंथस आपका क्या है, C4 है। 21 अक्टूबर को कंफर्म होगी क्या, बिल्कुल 100 में से 101% एग्जाम होगी 21 अक्टूबर को, सी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना गन्ना, जवार, बाजरा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ लोग समय से पहले जग जाते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग समय निकलने के बाद जगते हैं, लक्ष्य उनको छोड़ करके आगे निकल चुका होता है, ये ध्यान रखना है। चावल में प्याज का पत्ता किसकी क्षति के कारण होता है, द ऑनियन लीफ इन राइस कॉज्ड बाय द डैमेज। देखिएगा धान की फसल में प्याज की तरह पतली पतली लीफ हो जाती है, प्याज की तरह, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, प्याज की तरह ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, प्याज की तरह, तो किसकी तरह होता है, प्याज में आप होता है गोल मिर्च की वजह से होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक खेती की जाने वाली मक्का है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मक्का की खेती की जाती है, इंडियन टाटा या इंडूराटा, तो देखिए इंडेंट, डेंट का मतलब है मक्का, यूएसए में उगाई जाती है, भारत में उगाई जाती है इंडूराटा, ये ध्यान रखना, ठीक है, भारत में इंडूराटा, ये ध्यान रखना आपको। खुद से बड़ी कोई शायरी नहीं हो सकती, खुद के परिवार से बड़ा कोई साथ नहीं हो सकता, खुद के भाई से बड़ा कोई और साथी नहीं हो सकता, तो शायरी जिसको कह सकते हैं, मोटिवेट होना है, खुद के परिवार के सदस्यों को देखो जो मुश्किल परिस्थितियों में आपको पढ़ा रहे हैं। शीतकालीन मक्का की खेती राजस्थान में किस कृषि जलवायु खंड में होती है, शीतकालीन मक्का की खेती आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में होती है, ये ध्यान रखना, किस में होती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में होती है, और आपको पता होगा जोग बी जू पा ए दो ची बा और को, बा से बांसवाड़ा और डूंगरपुर फोर्थ बी में दिखाई देगा, फोर्थ बी को कहते आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ये ध्यान रखना इसे, फोर्थ बी यानी कि हमारे कोड वर्ड के अनुसार बा, जोगबी जुपा दोची बा से ध्यान रखना बांसवाड़ा और डूंगरपुर फोर्थ बी, ये ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, ये ध्यान रखना, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड भी है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। जो खुद से मोटिवेट नहीं हो सकता उसे दुनिया में कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। राजस्थान के लिए परिचालन जोत का आकार, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में लैंड होल्डिंग कैपेसिटी पर व्यक्ति कितनी है, तो ध्यान रखना 2015 और 16 की कृषि जनगणना हमारे पास अंतिम रूप से उपलब्ध है, उसके अनुसार राजस्थान में लैंड होल्डिंग कैपेसिटी आपके 2.73 हेक्टर है, ये ध्यान रखना 2.73 हेक्टर आपको दिखाई देगी, और यह है जो एग्री जो आपके इकोनॉमिक सर्वे है उस इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको दिखाई देगी, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक सर्वे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय, क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन का ध्यान रखना, क्वेश्चन देखिएगा पहले क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का रीजनल रिसर्च सेंटर, ध्यान रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, ये तो कानपुर में है मेरे प्यारे, लेकिन इसी का भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान में कहां स्थित है, तो बीकानेर में इसका रीजनल ऑफिस है, आपको यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बीकानेर में, तो इसका ध्यान रखना है आपके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में उर्वरक की अनुमति खपत लगभग कितनी है, हमारे यहां पर फर्टिलाइजर की खपत कितनी है यह ध्यान रखना, अटेम्प्ट कितने करने हैं ओम प्रकाश जी, जितने हमें आ जाए उतने अटेम्प्ट कर लेने हैं, नेगेटिव नहीं करनी है, कितने करने हैं पहले से टारगेट लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि यह कॉम्पिटिशन है मेरे प्यारे, ये ध्यान रखना है आपको। करंटली द एस्टिमेटेड कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन राजस्थान इज अराउंड 133 के जी प्रति हेक्टर, भारत की फर्टिलाइजर की खपत है, ये ध्यान रखना, राजस्थान में लगभग 61% खपत है, यानी कि 62 KG के आसपास राजस्थान में खपत है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान का सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, प्रेजेंटली द ग्रोस इरिगेटेड एरिया इन राजस्थान, ध्यान रखना एक ग्रोस होता है एक नेट, नेट जो होता है हमेशा कम होता है, ग्रोस हमेशा ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। कीर्तिका जी कह रहे सर ये जेट के लिए भी है क्या, बेटा बिल्कुल जेट के लिए भी है, तो देखिएगा 15.79, 13.79, 11.79 लगभग राजस्थान का सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, ग्रोस इरिगेटेड एरिया 12 मिलियन हेक्टर के आसपास है, ये ध्यान रखना, और राजस्थान का 12 है, भारत का जिसको कह सकते हैं 102 के आसपास, आपको 102 के आसपास दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग में अधिक योगदान देती है, ग्लोबल वार्मिंग में आपके जो है, बिल्कुल मनीष जी हमारी बेस्ट विशेष, उत्कर्ष परिवार की बेस्ट विशेष आपके साथ है, निश्चित रूप से आप अच्छा करके आएंगे, तो ध्यान रखना ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, CO2 का है। मीथेन में ध्यान रखना धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, ये ध्यान रखना, गोबर की खाद से भी क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, ये ध्यान रखना है आपको। राजस्थान में ध्यान रखना आपके गोवर्धन योजना के तहत पहला प्लांट HPCL के द्वारा जालोर के सांचोर में लगाया गया था, ये ध्यान रखना। गेहूं में लोहा और जिंक की समृद्ध तत्व से समृद्ध वैरायटी आपके कौन सी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, गेहूं के लोहा और जस्ता तत्व समृद्ध किस्म कौन सी है, HPBW1 DBW HD राज, तो HPBW01 आपके क्या है, ये लोहा और जस्ते से रिच वैरायटी है, ये ध्यान रखना आपको। नमस्ते मुनिराम जी, नमस्ते। हाँ देखिएगा अगर कहा जाए तो ये बीच में आपके लिए जिसको कह सकते हैं ऑल द बेस्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एग्जाम 2023, ये सबसे अंत में आपको बेस्ट विशेष देखिए, ये बीच में लग गई फोटो। आइएगा MPUET द्वारा विकसित मीरा किस्म किस फसल की है, MPUET महाराणा प्रताप ऑफ यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर जो आपका है महाराणा प्रताप, MPUET महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये किसकी है, फॉक्सटेल मिलेट कंगनी, ध्यान रखना कंगनी आपके किस में आती है, राजस्थान की मिल्क अवेबिलिटी डॉक्टर राजकुमार जी 1150 है, ये ध्यान रखना है आपको, सारे के सारे FSO ही है, ये ध्यान रखना आपको। क्लास को दबादब तरीके से लगातार लाइक और शेयर करते रहो। ये मीरा किस्म MPUET से विकसित है, ये ध्यान रखना, कंगनी इसे फॉक्सटेल के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किसान कल्याण सम्मेलन, ध्यान रखना राजस्थान में किसान कल्याण सम्मेलन का आयोजन 16 से लेकर के 18 जून जयपुर में आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कंगनी फॉक्सटेल मिलेट की, ये क्या है, कोर्स मील्स में आता है, ये ध्यान रखना है आपको, मोटे अनाजों में आता है, मोटे अनाजों के बारे में जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सहसंबंध गुणांक R किसके बीच स्थित है, यह ध्यान रखना, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के विद्यार्थी यह क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ हो सकता है, यह ध्यान रखना है आपको। कोरिलेशन कोफिशिएंट R लाइज बिटवीन किसके और किसके बीच में होता है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है, किसके और किसके बीच में होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर के विद्यार्थी ध्यान रखना, -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है, यह ध्यान रखना आपको, ठीक है। FSO के विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना, RPSC का सबसे प्यारा क्वेश्चन ये ध्यान रखना, अरे राजकुमार जी राजस्थान में 444 ग्राम नहीं है मेरे प्यारे,
राजस्थान में 1150 है, 444 मेरे प्यारे भारत में है। ठीक है भाई, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के विद्यार्थी जरूर ध्यान रखिए, -1 से लेकर के +1 तक का आपके क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज होता है। निश्चित रूप से सर ने बताया होगा भारत में इफको द्वारा व्यावसायीकृत से नैनो यूरिया में कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है। नैनो यूरिया का भारत में पहला कारखाना कहां था, अहमदाबाद गुजरात में था, यह ध्यान रखना है। भारत सरकार ने नैनो डीएपी को भी परमिशन कर दी है, जिसकी मात्रा आपके 8% यूरिया और 16% आपके फास्फोरस होती है, 4% क्या होता है आपके इसमें नैनो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। मीठी मक्का यानी कि स्वीट कॉर्न के लिए बीज दर कितने किलोग्राम होता है, स्वीट कॉर्न के लिए आपके बीज दर बतानी है, यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है, द सीड रेट केजी पर हेक्टर फॉर स्वीट कॉर्न 20, 8, 24 और 12, स्वीट कॉर्न के लिए बीज दर बतानी है कि स्वीट कॉर्न के लिए, मीठी मक्का के लिए बीज दर कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, 8 और 16 बिल्कुल विजय जाकर जी सही है, बताइएगा मीठी मक्का जो होती है उसकी सीड रेट कितनी होगी, ये ध्यान रखना है आपको। मीठी मक्का के लिए सीड रेट कितनी होती है, 8 से 10 केजी के आसपास आपके मीठी मक्का की सीड रेट दिखाई देगी, ये ध्यान रखना है आपको। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लेते हैं, क्या होगा। 1940 के दशक में आए भीषण बंगाल का अकाल किसके कारण था, यह ध्यान, भीषण बंगाल का अकाल ये ध्यान रखना, फेमाइन ऑफ बंगाल किसकी वजह से, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ये ध्यान रखना है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, भूरा पत्ती धब्बा रोग, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 4% आपको ध्यान रखना नैनो यूरिया में, 8% आपका डीएपी, नैनो डीएपी में पाया जाता है, ये ध्यान है, 8% नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, तो ध्यान रखना राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अगर आप पूछना चाहेंगे तो देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट सी क्या है, सबसे बिगेस्ट है, ये ध्यान रखना, और ये बिगेस्ट कब बना, जब इसे तोड़ करके बनाया गया फर्स्ट ए से, तो फर्स्ट ए क्या है, पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र है, और ये आपको क्या है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझ लेना, दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड यानी कि फर्स्ट सी के बाद में फर्स्ट ए का नंबर आता है, ये ध्यान रखना। जैसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, कृषि विभाग न्यूज वीर तेजा जन्म, बिल्कुल जी तेजा जी को राम राम भाई आपके, जिसको कह सकते हैं। यहां अगर हम देखें तो फोर्थ बी सबसे छोटा है, और ये ध्यान रखना जो गए तो ध्यान रखना फर्स्ट बी दूसरा सबसे छोटा आता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, बाजरे के अनुशंसित इष्टतम बुआई गहराई, बाजरे की डेप्थ देखिएगा, बाजरे के सीड की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए, द रिकमेंडेड ऑप्टिमम सोइंग डेप्थ ऑफ द परमिलेट 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, ये आपका सही आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वर्तमान फसल सघनता कितनी है, भारत की फसल सघनता अगर आप देखोगे, भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी अगर आप देखोगे लगभग 151 के आसपास है, ये ध्यान रखना, और राजस्थान की देखोगे तो 143% के आसपास नजर आएगी, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर फिलहाल 142 कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन में यही है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की विषाक्तता पौधे की वृद्धि को बाधित नहीं करती, अम्लीय मिट्टी में निम्नलिखित पोषक तत्वों की विषाक्तता टॉक्सिसिटी की वृद्धि प्रभावित नहीं करती, ये ध्यान रखना आपको। पीहू जी अभी भी आप 133 में बैठे हो बेटा, 143 करो ना, हाइड्रोजन मैग्नीज एल्यूमिनियम कार्बन, तो कार्बन कोई टॉक्सिसिटी थोड़ी है, कार्बन आपके क्या है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। आइएगा बिल्कुल जोग भी जूपा दो चीबा का प्रशांत जी, बिल्कुल क्यूपीएम क्वालिटी प्रोटीन मेज का संबंध किसके साथ है, मक्का से है, ये ध्यान रखना। वे फसलें जिन्हें वृद्धि के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, वो कौन सी क्रॉप्स है जिन्हें बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, एक होता है धान और दूसरा होता है गन्ना। देखो धान और गन्ना दिखेगा, ये रहा धान, मक्का और अन्य को छोड़ो, गेहूं और मक्का, गेहूं और चावल, तो यहां पर क्या है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, दुर्गापुरा केसर हो चाहे दुर्गापुरा लाल हो, लाल है तो केसर है, ये ध्यान रखना आपको, दुर्गापुरा लाल, दुर्गापुरा केसर, पूसा बेदाना, ये आपके क्या है, बिल्कुल बेटा पीहू जी उत्कर्ष एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पर, उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर, उत्कर्ष के ऐप कोर्स में सारी चीजें करंट पढ़ाई जाएगी, अपडेट वर्जन पढ़ाया जाएगा, पुराना नहीं बताया जाएगा।
तो यहां पर किसकी है, तरबूज की है, ये ध्यान रखना है आपको। तरबूज कैसा, लाल, तो लाल है, तो यहां पर कैसा है, दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा मधु खरबूजे की वैरायटी है। सूची ए को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में आम की वैरायटी है, सूची दो में क्या है, उनका क्रॉस है। देखो मंजीरा, मंजीरे का क्रॉस होता है आम की वैरायटी है। मंजीरा जो होता है उसका क्रॉस होता है रूमानी और नीलम। देखो रूमानी और नीलम कहां है, रूमानी, ये रहा रूमानी और नीलम। देखिएगा एक में चार आपको दिखाई देगा, रत्ना, रत्ना के लिए आपको ध्यान रखना, रत्ना किसका क्रॉस है, तो आपको ध्यान रखना रत्ना सिंधु, सिंधु में आपको पता है आर ए एस, रत्ना और आपके अल्फांसो, ये रहा आपके जिसको कह सकते हैं, ठीक है, नीलम और अल्फांसो, यहां अर्का पुनित, अल्फांसो और बैगन पल्ली आपको यहां पर दिख जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, चार, चार के बाद दो तीन और एक, चार दो तीन एक कहां है, चार तीन, चार दो तीन एक, ये रहा ए इसका राइट आंसर। हुए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खोया में दूध की वसा मात्रा, खोया में दुग्ध वसा की मात्रा बतानी है कि आपके जो खोआ कंटेंट्स ऑफ मिल्क फेट कितनी होती है, आपको ये बताना है। पीछे वाले में देख लो आपके यहां पर ये रहा, देख सकते हो पीछे वाले में आराम से देख लो आपके जिसको कह सकते हैं। हो गया भाई, अगर हो गया तो चले आगे। यहां पर देखना है खोया में दुग्ध वसा की मात्रा, खोआ कंटेंट्स ऑफ मिल्क फेट, तो मिल्क फेट की मात्रा बताने की, मिल्क फेट की मात्रा कितनी होगी आपके यहां पर, ठीक है, मिल्क फेट की मात्रा 20% 30% 20, 5 और 10 आपके यहां पर बताना है, कौन से मिल्क फेट की मात्रा आपके यहां पर सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या होगा यहां पर, खोया में आपके 30% आरपीएससी का राइट आंसर है। रूपांतरित वातावरण, आपके मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में केले को सुरक्षित अवधि तक रखा जा सकता है। विद मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग एमएपी बनाना कैन बी कीप्ट ऑन सेफ, कितने दिनों तक रखा जा सकता है, 10, 12, 15 और आपके इसको कह सकते हैं 20% नहीं बेटा कीर्तिका जी, आपके आरपीसी ने इसमें 30 दिन माना था, आपके 30% माना था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है 30%। यहां पर क्या है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में केले को 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है। पानक में अम्लता परसेंट 0.6, 0.75 या 1.1 से 2 या 2 से 3, तो पानक आपके क्या है जिसको स्क्वीज कह सकते हैं, 1 से 2% इसकी अम्लता होती है, ध्यान रखना। क्रॉप रोटेशन या सस्यावर्तन के लिए क्या आवश्यक है, क्रॉप रोटेशन के लिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्रॉप रोटेशन की आवश्यकता है। भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला उद्योग कहां स्थापित हुआ, पहला पेस्ट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया, तो कब हुआ, 1920 में, कहां हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में, यह ध्यान रखना है आपके, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फलीदार बीज में भ्रूण पोष भोजन के भंडार के रूप में होता है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है, याद ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूमिनियस सीड हैव एंडोस्पर्म एट एज स्टोन ऑफ फूड, ये बताना है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है आपको। मेथी, चना, सोयाबीन और अरहर, तो यहां पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूमिनियस सीड्स हैव एंडोस्पर्म एज स्टोन ऑफ फूड, तो यहां ध्यान रखना क्या हो जाएगा, यहां पर मेथी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, 10 दिन मेथी, ठीक है, यहां पर क्या है, मेथी में आपको दिखाई देगा ये, बाकी दोनों के दोनों जो है आपके मेथी, यहां ध्यान रखना आपको। 1920 महाराष्ट्र, बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, धनिया का भंडारण किट कौन सा है, विच इज द स्टोरेज पेस्ट ऑफ कोरिंडर, धनिया, कोरिंडर, माहू, एफिड, तो आपके खड़ी फसल में लगता है, सफेद प्लाई, व्हाइट प्लाई आपके खड़ी फसल में लगेगी, सिगरेट बिटल और आपके स्पाइटल बिटल। विजय जी देखिएगा ये क्वेश्चन आपके ऑफलाइन क्लासेज में जब हमने जीरा पढ़ा था उस समय मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और यहां पर क्या है, सिगरेट बिटल इसका क्या हो जाएगा, स्टोरेज पेस्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, बिल्कुल हिनू जी सही आंसर है आपका इसका। कुल ठोस पदार्थ की मात्रा जिस पर सूक्ष्म जीव सक्रिय नहीं रहते, टीएसएस बताना है आपके, कि टीएसएस आपके क्या, बिल्कुल विजय जी सी सही आंसर है आपका इसका, सी जो है आपने सही आंसर दिया है इसका, ये ध्यान रखना है आपको। बताइएगा इसका राइट आंसर आपके क्या होगा, ये ध्यान रखना है।
तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। सबको पता है कि कुल टीएसएस पदार्थ जो होता है अगर वो 65% होता है तो आपके क्या हो जाएगा, जिसको कह सकते हैं इससे कम पर आपके क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, इससे ज्यादा पर आपके नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना। 65% कम से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, उसके बाद तो रहेंगे नहीं। बैंगन की छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो बैंगन का छोटी पत्ती रोग आपको बताना किसके कारण होगा, तो यहां पर ध्यान रखना किसके कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण। अगला क्वेश्चन, बेर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है, तो गोला, सेब, मुंडिया और उमरान। उमरान को काट्या कहते हैं, गुजरात से विकसित है, यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके देखेगा, पीथीनेस निम्नलिखित में से किस सब्जी का शारीरिक विकार है। पीथीनेस आपके मूली का होता है, जिसमें आपके क्या दिखाई देगी, मूली का खोखलापन आपको नजर आएगा, यह ध्यान रखना। खीरे में आपके क्या होता है, पिल्लो डिजीज होती है, यह ध्यान रखना। आपके यहां पर जिसको कह सकते हैं ब्लॉसम एंड रोट आपको दिखाई देगा, यह ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे निष्क्रिय करने के लिए आमतौर पर फलों और सब्जियों में श्वेतन की जाती है, ब्लांचिंग क्यों की जाती है, तो ध्यान रखना पैथोजेंस, मोल्ड्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स। प्रमुख रूप से एंजाइम्स को रिमूव करने के लिए क्या की जाती है, आपके ब्लांचिंग का कार्य किया जाता है, यह ध्यान रखना है आपको। किसके लिए ब्लांचिंग की जाती है, विशेष रूप से एंजाइम्स को रिमूव करने के लिए की जाती है, उसका रंग रूप निखार करने के लिए आपकी की जाती है। रेटिनॉल को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो ए को क्या कह देते हैं, रेटिनॉल कह देते हैं, कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, बिल्कुल ऑफिसर पंडित जी सही आपका, एंजाइम्स कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, ठीक है। निम्नलिखित को सूचित करना है, एक में क्रॉप है, दूसरे में उनका क्या है, परवर्धन है। देखिएगा बेल पत्र, बेल पत्र में आपके जो होता है वो कौन सा होता है, आपके पेच बडिंग होता है, पपाया में सीड होता है, मैंगो में वीनियर ग्राफ्टिंग होता है, बनाना में स्वाड ग्राफ्टिंग, आपके स्वाड चक्कर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, दो, दो के बाद में चार, दो और चार यहां पर, ठीक है। तो बी राइट आंसर बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। डी में तीन, ठीक है, ये परवर्धन के तरीके हैं, ये ध्यान रखना, परवर्धन के तरीके। आज की क्लास का पहला शतक आपके स्क्रीन पर है, मंडोर उद्यान स्थित है, तो मंडोर उद्यान जोधपुर में स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। याद रखिएगा नई दिल्ली में मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है, ये ध्यान रखना। नई दिल्ली में आपके क्या है, अमृत उद्यान, ध्यान रखना। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, 75वां वर्ष मना रहे हैं, इसी की याद में दिल्ली के मुगल गार्डन को, जो कि प्राचीन मुस्लिम आक्रांताओं की आपके पहचान थी, जिसको बदल करके अब नाम कर दिया गया है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए उसे कहने आजकल हम क्या कहते हैं, अमृत उद्यान कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बी इसका राइट आंसर होगा, अमृत उद्यान। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा फल कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स है निम्न में से, डेट पॉम, बेलपत्र, बनाना और आपके कस्टर्ड एप्पल। जोधपुर राय का बाग, जोधपुर आपके मंडोर सर्किल आपको आपको दिखाई देगा, यहां पर बताना है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट का बेटर विकल्प आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का बेटर विकल्प जो है आपके कौन सा नजर आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कौन सा फल कार्बोहाइड्रेट सबसे धनी सोर्स पूछा, ध्यान रखना, धनी सोर्स, रिच सोर्स पूछा है, रिच सोर्स, ध्यान रखना। यहां पर यह त्वरित देता है, इसमें आपको देखने को मिलेगी 67% तक आपके जिसको कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, जिसको कह सकते हैं 67 के आसपास तक, जो खजूर आपके जिसको देखने को मिलेगी इसमें, जो आपके अंगूर है, ड्राई अंगूर जिसको कह सकते हैं, ड्राई अंगूर, फिर करौंदा, लगभग इसमें 62 के आसपास, जो ताजा खजूर होता है उसमें भी आपके 40% होते हैं, केले में तो 26 से 27% पाई जाती है। केला रिच सोर्स आपके कैसा है, त्वरित कार्बोहाइड्रेट देता है, ध्यान, त्वरित कार्बोहाइड्रेट देता है, ध्यान रखना। तो आपके यहां पर खजूर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परिपक्वता पर संतरे के फल का कुल टीएसएस, संतरे में टीएसएस बताना है, तो संतरे में टीएसएस कितना होता है, 12 ब्रिक्स होता है, ये ध्यान रखना आपको, कितना, 12 ब्रिक्स आपके इसमें पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। तो देख लीजिएगा इसको एक बार आप, ठीक है भाई, तो 12 ब्रिक्स इसका सही है। अगला देखो, पूसा सर्जन क्या है, तो पूसा सर्जन रूट स्टॉक है किसका, पूसा सर्जन किसका रूट स्टॉक है, आपके अमरूद का है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, टमाटर प्यूरी और पेस्ट के लिए अनुमत बेंजोइक अम्ल की सीमा, टमाटर प्यूरी और पेस्ट में कितना, 250 ppm आपको नजर आएगा, ये ध्यान रखना, कितना, 250 ppm, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, 250 ppm। अगला क्वेश्चन, बेंजोइक अम्ल के प्रति अधिक प्रभावी है, बेंजोइक अम्ल किसके प्रति अधिक प्रभावी है, खमीर, मोल्ड्स, जीवाणु या वायरस, तो खमीर के प्रति क्या है आपके,
ज्यादा प्रभावी है, ये ध्यान रखना आपको, अमरूद पूसा सर्जन। अगला क्वेश्चन, बैंगन पल्ली और अल्फांसो से उत्पन्न किस्म कौन सी है? बैंगन पल्ली और अल्फांसो, तो ध्यान रखना अर्का अरुणा, अर्का अरुणा क्या है? बैंगन पल्ली और अल्फांसो का अर्का पुनित, अल्फांसो और बैंगन पल्ली का आपको नजर आएगा, तो यहां पर अर्का अरुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। डिब्बाबंदी में साधारण चाशनी में चीनी प्रतिशत, ध्यान रखना कैनिंग में साधारण चाशनी, एक होता है चाशनी का जिसको कह सकते हैं लेवल बढ़ा दिया जाए, जिसको कह सकते हैं सख्त चाशनी, कठोर चाशनी, हार्ड चाशनी, उसमें 50% होता है शुगर परसेंट इन सिंपल सिरप। ये साधारण चाशनी में पूछ रहा है, तो साधारण चाशनी में 40% होता है। चाशनी को तीन भागों में बांटा गया है, हल्की, मीडियम और हार्ड, तो ये वाली क्या है? सिंपल है, ये ध्यान रखना आपको, सिंपल सिरप, ये ध्यान रखना आपको, सिंपल सिरप में 40%, ये ध्यान रखना। जैसे आपके क्लास 12th की एक बुक है, उसी में दे रखा है, क्लास 12th की बुक में ही दे रखा है, ये तो क्लास 12th की बुक में ही दे रखा है भाई, ये ध्यान रखना आपको। बीज मसाले के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, किरण चौधरी जी 33 नहीं है, 40 है, ये ध्यान रखना, ठीक है किरण जी, कितना है? 40 है सिंपल के लिए, ठीक है सिंपल के लिए, वो 30 होता है, वो हल्का होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आइएगा बीज मसाले के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, तो NRCSS कहां है आपका? अजमेर में है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल नेपाल सिंह जी 33, 40 और 50, एकदम सही कहा, 33, 40 और 50। अगला क्वेश्चन, टमाटर में गुदे का किनू रंग किसके कारण? टमाटर का लाल रंग नहीं पूछा है इसने, ध्यान रखना, लाल रंग पूछता तो लाइकोपिन कर देते, द टेंगेरिन फ्लेश कलर, तो लाइकोपिन से पहले प्रोलाइकोपिन, ठीक है प्रोलाइकोपिन आपके, ध्यान रखना इसके लिए जिम्मेदार। क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन क्या है? टमाटर में गुदे का किनू रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण लाल रंग होता है। यहां पर क्या पूछा? टेंगेरिन, रेड कलर नहीं पूछा, यहां पूछा है कि रेड से पहले आपके किनू रंग, तो ये प्रोलाइकोपिन के कारण होता है, प्रोलाइकोपिन। उत्तम बीज की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुपीरियर सीड इज जैविकता, वायबिलिटी, तो ध्यान रखना वायबिलिटी जो होती है ये इसका प्रमुख करैक्टर होता है। वे फसलें जिन्हें वृद्धि के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, जिन्हें ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, चावल और गेहूं हम देख चुके हैं। जेम में फल का भाग होता है, जेम और जेली दोनों में ही क्या होता है आपको ध्यान रखना, 45% होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जीरे की बुआई का समय है 10 से 25 अक्टूबर, 15 से 30 नवंबर, 10 से 20, 1 से 7 जनवरी, एग्जैक्टली यही का यही जैसे क्वेश्चन आरपीसी में है ये क्वेश्चन, तो 15 से 30 नवंबर, जब आपके नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस की पैकेज और प्रैक्टिस देखी जाती है, तो राजस्थान में एग्जैक्टली यही का यही 15 से 30 नवंबर आपके डेट दे रखा है। मेथी के बीज में कौन सा स्टेरॉइड पाया जाता है? तो मेथी में स्टेरॉइड्स पाया जाता है सोलेनिन, आलू में सेपोजेनिन या सोलोसोडाइन, बैंगन में डायोसजेनिन, मेथी में पाया जाने वाला एक विशेष एल्कोलॉइड है, ये ध्यान रखना, डायोसजेनिन, क्या पाया जाता है मेथी में? डायोसजेनिन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है डायोसजेनिन। 15 से 30 नवंबर, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, ये ध्यान रखना आपको। आंवला किस्म कंचन निम्नलिखित में से किसकी मौका अंकुर, यानी कि आंवला वेराइटी कंचन इज चांस सीडिंग ऑफ चकैया, ध्यान रखना चकैया क्या है? इसकी देरी से बोई जाने वाली अंगूर की, आपके आंवले की एक किस्म है, बिल्कुल डायोजेनिन सही जवाब आ रहा है। धनिये का बीज का प्रकार है जीरा, धनिया और सौंफ, तीनों में ही क्या होता है आपके ध्यान रखना, कोरिंडर। धनिये का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? झालावाड़ में होता है, ये ध्यान रखना। जीरे का अगर पूछ ले तो जीरे का जैसे जीरा जैसे जोधपुर आपको ध्यान रखना है। मेथी का अगर पूछ ले तो मेथी में ध्यान रखना आपको बीकानेर कर देना है, और आपके ध्यान रखना है आपको सौंप में अगर पूछे तो सौंप में क्या करोगे? सौंप में नागौर आपको करना है, ये ध्यान रखना। राइट आंसर क्या है? सीजो कार्पी, ध्यान रखना आपको, ठीक है। खरबूजे का फल थोड़ा दबाव से बेल से आसानी से अलग हो जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है, खरबूजे का फल थोड़ा दबाव से बेल से आसानी से अलग हो जाता है, क्या कहा जाता है? मस्क मेलन, तो इसे कहते हैं फुल स्लिप, कहां है फुल स्लिप, फल नहीं फुल, फुल स्लिप अवस्था कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? फुल स्लिप अवस्था। अरे छाया जी, जीरे में जालौर पहले था, आजकल जोधपुर आ गए, ध्यान रखना आपको, ठीक है बिल्कुल किरण जी, परफेक्ट आंसर है अंबेली फेरी, ठीक है आपका, बिल्कुल फुल स्लिप। निशु जी राइट है,
फ्रूट स्लिप नहीं बेटा, फूल स्लिप है, ये ध्यान रखना आपको। सौंप में सिरोही नहीं है, अरे भाई कहां पुरानी जिंदगी में जीवन जी रहे हो, नई जिंदगी में आ जाओ, करंट डाटाओं में आ जाओ, करंट डाटा करवाए ना हमने अभी। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी फल नहीं है, टमाटर फल है, ब्रिंजल फल है, भिंडी फल है, लेकिन गाजर क्या है, गाजर आपको ध्यान रखना, गाजर क्या है, रूट क्रॉप है, ये ध्यान रखना, गाजर, गाजर क्या है, रूट क्रॉप है। अरे उत्कर्ष के ऐप कोर्स में करवाया था करंट डाटा। कसूरी मेथी की बीज दर क्या है, कसूरी मेथी राजस्थान में अगर देखा जाए तो नागौर, पूरे विश्व में जाना जाता है नागौर, नागौर में कुछ विशेष आपके जिसको कह सकते हैं, नागौर अपने आप में ही क्या है, प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर कसूरी मेथी की सीड 10 केजी होती है, ये ध्यान रखना आपको। प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है, क्यूरेसिटिन के कारण होता है। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, सिंधु, ये ध्यान रखना आपको। तैयार फल पाक में प्रति शर्करा आपके इन्वर्ट शुगर की मात्रा कितनी होती है, तो 30 से 49%, अमूमन 40% के आसपास रिवर्ट शुगर आपको दिखाई देगी। बिल्कुल किरण जी, 10 केजी बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट नोज एक देहिक विकार है, याद करो ऐप में करवाया हुआ है, सॉफ्ट नोज, नोज सॉफ्ट हो जाता है जैसे आदमी का सब्जी आपके सर्दियों में, वैसे ही आम का सॉफ्ट नोज, आम में ब्लैक टिप्पी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अंगुलियों की कोणीयता का विलोप होना किसका, परिपक्वता सूचक है। आम में टपका, ठीक है, आम में टपका, टपका कहां, बांसवाड़ा में, यानी कि बांसवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन है अंगूर, ये ध्यान रखना है आपको। अंगूर कहां हो गए, अंगूर राजस्थान में आजकल सिरोही में हो गए भाई, कागजों में सिरोही में है, अनार बाड़मेर, केला चित्तौड़ में, तो राइट आंसर क्या कर देंगे भाई इसका, कहीं पर केला दिखता है क्या, ये रहा केला। यहां देखिएगा, डिब्बाबंद भोजन में फ्लेट शेवर सड़न का क्या कारण है, फ्लेट शेवर स्पॉइलेज इन कैना कैंड फूड इन कोल्ड बाय, तो ध्यान रखना एक अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी ने पहले पूछ रखा है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना आपको। बेसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस, ध्यान रखना बेसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस आपके क्या है, डिब्बाबंद भोजन में फ्लेट शावर का कारण है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ए इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल केला सही है। फल संवेष्टन में इसमें से किसका प्रयोग इथाइलिन अपमार्जक के रूप में किया जाता है, इथाइलिन अपमार्जक तो क्या है, KMnO4 इथाइलिन अपमार्जक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये ध्यान रखना आपको। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ, तो ध्यान रखना इन इंडिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट केम इनटू फोर्स द ईयर, क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा है, ये ध्यान रखना क्या है, तो फसाई 2006, ये ध्यान रखना है आपको। अगला, उच्च पादपों में इथाइलिन संश्लेषण का पूर्वगामी क्या है, इथाइलिन एक क्या है, गैसीय हार्मोन है, फलों को पकाने में काम में आता है, इसका प्रिक्योसर्स क्या होता है, तो प्रिक्योसर ट्रिप्टोफैन प्रिक्योसर होता है, किसका, आपके ट्रिप्टोफैन होता है ऑक्सिन का, ट्रिप्टोफिन किसका होता है, ऑक्सिन का होता है प्यारे, और मीथियोनिन किसका होता है मेरे प्यारे, बी, ये ध्यान रखना, इथाइलिन का प्रिक्योसर मीथियोनिन को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। फूलदान विलयन में कट फ्लावर की आयु बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला इथाइलिन विरोधी यौगिक क्या है, इथाइलिन विरोधी यौगिक, इथाइलिन को क्या करता है, कॉन्टैक्ट यानी कि कंट्रोल में रखता है, सिल्वर थायोसल्फेट सुक्रोज, सुक्रोज बिल्कुल आपके क्या करता है, फूलदान में फूल की आयु बढ़ाने का काम करता है, लेकिन एंटी इथाइलिन नहीं है, एंटी इथाइलिन सिल्वर थायोसल्फेट होता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फालसा स्क्वेश को परिरक्षित करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला, ध्यान रखना, रंगीन फलों के लिए सोडियम बेंजोइट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रहा आपके जिसको कह सकते हैं रंगहीन को आपके, तो फल कैसा है आपके, ये ध्यान रखना यहां पर क्या है, तो सोडियम बेंजोइट आपको ध्यान, रंगीन फलों में सोडियम बेंजोइट, बेंजोइक अम्ल आपके परिरक्षण का कार्य करेगा, पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइट नहीं, ये ध्यान रखना फालसे में आपके, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टमाटर केचप में काले रंग का यौगिक बनने का प्रमुख कारण क्या है, टमाटर में काला रंग बनने का कारण, तो ध्यान रखना टेनिन और लोहा, तो ध्यान रखना टेनिन और लोहे का आपस में संयोजन होना, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसिंग प्रसंस्करण हेतु आलू को भंडारण करने का आदर्श तापमान क्या है, अबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड आलू को भंडारित करते हैं, ये ध्यान रखना। रवि मेहता को ब्लॉक मार दो भाई, अभी कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे क्योंकि 351 क्वेश्चन है भाई,
भंडारण के दौरान आलू में अंकुरण को रुकने के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोग में लिया जाने वाला रसायन। बेटा क्वेश्चन पूछना कल, पूछना कल YouTube में, क्योंकि आज 350 क्वेश्चन है, FSO स्पेशल क्लास है, इसलिए क्षमा चाहेंगे बीच में आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है। रवि जी थोड़ी सी चीज को समझने की कोशिश करो भाई। भंडारण के दौरान आलू में अंकुरण को रुकने के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोग में लिया जाने वाला रसायन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, सेपा या CIPC। तो यह विशेष प्रकार का CIPC एक केमिकल है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अरे भाई कर देंगे, 2000 बताओ, 200 बताओ, सारों का जवाब दे देंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर सकते, ठीक है। सीपा ध्यान रखना, सीपा इथरेल में आता है आपके विजय जी, सीपा नहीं होगा, यह ध्यान रखना आपको। पूसा केसर एक किस्म है मूली की, गाजर की, बिल्कुल गाजर की किस्म है ये, ध्यान रखना, पूसा केसर और पूसा यम दागिनी। सीपा कैसे हो जाएगा, सीपा तो आपके क्या है, इथाइलिन इथरेल आपको दिखाई दे जाएगा वहां पर। बोनविले किसकी एक लोकप्रिय किस्म है, मटर की, अर्केल बोनविले संपूर्णा इसी की है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अर्का बिंदु किसकी किस्म है, ये ध्यान रखना। अरे भाई ठीक है, अर्का बिंदु बताओ किसकी किस्म है, तो अर्का बिंदु प्याज की एक किस्म है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में प्याज का अग्रणी उत्पादक है, तो देखिएगा प्याज में तो महाराष्ट्र आपको दिखाई देगा, महाराष्ट्र फलों के क्षेत्रफल में भी, ये ध्यान रखना, फलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां दिखाई देता है, तो महाराष्ट्र में दिखाई देता। आंध्र प्रदेश क्या है, फलों का सर्वाधिक उत्पादन, फलों का सर्वाधिक उत्पादन कहां दिखाई देगा, आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखना आपको। तो ध्यान रखना, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में प्याज का अग्रणी उत्पादक है, तो प्याज में महाराष्ट्र है, राजस्थान में जोधपुर आपके प्याज के उत्पादन में अग्रणी है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी बेर की एक पछेती किस्म है, उमरान आपका पहले भी आ चुका। टमाटर फल छेदक के लिए आदर्श जाल या ट्रेप क्रॉप, ध्यान रखना टमाटर में फल छेदक होता है, फल छेदक के लिए आपके कौन सा, गेंदा, सरसों, तंबाकू, तो ध्यान रखना ट्रेप में कौन सा आ जाएगा, गेंदा आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। महाराष्ट्र अनार में भी, अंगूर में भी, प्याज में भी, बिल्कुल किरण चौधरी जी, बहुत बढ़िया जवाब भाई। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस बीजे मसाले में क्यूमिनोल पाया जाता है, क्यूमिनम साइमिनम, ये ध्यान रखना। राजस्थान में हिनुजी, बिल्कुल झालावाड़ सही है, ठीक है। तो देखिएगा लौंग, दालचीनी, जीरा या आपके, तो जीरे में क्या पाया जाता है, क्यूमिनोल पाया जाता है, क्यूमिनम साइमिनम, ये ध्यान रखना। लिनोलिन पाया जाता है आपके कोरिएंडर में, ये ध्यान रखना है आपको। G41 किस मसाले की किस्म है, जी से गार्लिक, ध्यान रखना G41 जी से गार्लिक, धनिया कोरिएंडर की नहीं है, RCR वाली वैरायटी कोरिएंडर में आएगी, ब्लैक पेपर की नहीं है, लहसुन की, ध्यान रखना लहसुन, ठीक है भाई लहसुन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन आपके महाराष्ट्र में होता है, राजस्थान में कहां, बूंदी में होता है क्या, करवाया था। विश्व में सबसे तीखी मिर्च नागालैंड साइड में आपको कौन सी दिखेगी, भूत जोलेंकिया, भूत जोलंकिया आपके करंट में भी करवाया हुआ, जीव जीव को बेरी जीरो, 60,000 का भाव है भाई, बेरी कैसे है, सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन से फल में पेक्टिन और अम्ल की मात्रा कम पाई जाती है, पेक्टिन की मात्रा कम पाई जाती है, ये ध्यान रख, लहसुन 12 करवाया हुआ था आपको, अच्छा 12 में है ना, बिल्कुल ठीक है 12 करवाया हुआ है। अब वो करंट में मैंने करवाया था, बूंदी है या 12 वो देख लेना एक बार, है ना, करंट में करवाया था आपको। Which of the following fruit have low pectin and acid? तो खट्टे सेब में, खट्टे अमरूद, जामुन, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में आपके क्या पाया जाएगा, ये कम पाई जाती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फल पानक में फलों के रस और गुदे की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए, फ्रूट स्क्वेस मस्ट है मिनिमम फ्रूट जूस या पल्प परसेंटेज 25 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, कसूरी मेथी के फूलों का रंग होता कैसा, पीला, नीला, ब्लू, तो कैसा होगा, पीला रंग आपको दिखाई देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, देख लेना आपको करवाया हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अनार की कौन सी किस्म में सर्वाधिक फलों के फटने की समस्या पाई जाती है, तो जोधपुरी रेड में आपके फलों के फटने की समस्या पाई जाती है, और यहां पर आपके बाकी इसी की वैरायटी है। राजस्थान के सस्य जलवायु खंड का नाम, जहां धान्य फसलों की रानी को रबी के मौसम में व्यापक रूप से उगाया जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखना धान्य फसलों की रानी, धान्य फसलों की रानी का मतलब क्या है, मक्का की बात कर रहा है ये, बताना है मक्का की खेती रबी के मौसम में कहां होती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में होती है, ये ध्यान रखना, और डूंगरपुर बांसवाड़ा कहां है, 4th B में है, ये ध्यान रखना, और 4th B कहां है, आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदला है, ये ध्यान रखना, बाकी बदला कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ब्रेसिका जूनसिया का हिंदी में नाम क्या, ब्रेसिका जूनसिया को कहते हैं
भारतीय सरसों, इसे राई, राया, लाहा और रायडा कहा जाता है, तो राया ये रहा भाई। ठीक है, ब्रेसिका जूनसिया, इसे क्या कहते हैं, भारतीय सरसों। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, भारतीय सरसों के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के खारिस्तान जिले में रॉक फॉस्फेट की बहुलता, तो रॉक फॉस्फेट कहां दिखेगा, रॉक फॉस्फेट ध्यान रखना, रॉक फॉस्फेट कहां दिखेगा, उदयपुर में दिखेगा। अरे भाई आज क्वेश्चन नहीं दिखेगा, चल जाएगा, कल क्वेश्चन को देख करके अच्छा करना। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, तो 12 दिसंबर को प्रतिवर्ष मृदा दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। खरपतवारों के नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्योरिंग एक नई विधि की फसल में अपनाई जाती है, ब्राउन मैन्योरिंग, तो ब्राउन मैन्योरिंग आपको ध्यान रखना है। ब्राउन मैन्योरिंग कहां, धान में की जाती है, ये ध्यान रखना, आपके धान की सीधी बुआई में आपके विशेष रूप से ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाया जाता है, इसमें ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान IIFSR किस जिले में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च IIFSR इज सिचुएटेड ऑफ मेरठ, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्या है, मेरठ। सोयाबीन की उत्पत्ति किस देश से हुई है, तो सोयाबीन की उत्पत्ति आपको ध्यान रखना चीन, आपके सोयाबीन की उत्पत्ति कहां से हुई है, चीन से हुई है, ध्यान रखना। सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है, एमपी का दूसरा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान है, ये ध्यान रखना है आपको, तो ए इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित फसलों में से कौन सी एक फसल तिलहनों की रानी कहलाती है, तिलहन की रानी, तिल को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, क्या है, तिल इसका क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई, थोड़ा मुंह से सही बोल रहे हैं, टिक थोड़ा सा कई बार अलग लग जाता है। ठीक है, क्या 150 क्वेश्चन में क्या, हुआ भाई, हाँ कोई हो सकता है जैसे गलत टिक लग जाए तो देख लेना। क्या है, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई, 5 दिसंबर को नहीं मनाया जाता क्या, अरे भाई प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को ही मनाते हैं ना, और कब मनाते हैं भाई, देखो हम तो 5 दिसंबर को ही मनाते हैं, कोई और बता दो भाई, कोई और कब मना रहा है, वर्ल्ड सोइल हेल्थ डे 2015। ठीक है, अरे भाई 5 दिसंबर, अच्छा मैंने 12 बोल दिया क्या, टिक देखो ना यहां पर, ये टिक, ठीक है 5 दिसंबर, अरे भाई राफेल की रफ्तार से चलते हैं तो कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है समायोजन, समायोजन बहुत बड़ी चीज है, ये ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मैंने 12 बोल दिया, टिक तो सही लगाया था ना, अरे टिक सही लगाया था ना, कोई बात नहीं, आ जाओ। शून्य जुताई कर्षण से क्या तात्पर्य, जीरो टिलेज, मर्दा अपवाह को रोकना, जल अपवाह रोकना, जल निष्पादन रोकना, मर्दा अपरदन को रोकना और समुच्चय में वृद्धि करना, बिल्कुल ठीक है। टू कंट्रोल सोइल इरोजन एंड अलाउ एग्रीगेटिंग सोइल के पार्टिकल्स को बनाना, ग्राउंडनट को, ग्राउंडनट है या तिल है रानी, अरे किरण जी रानी तो तिल है, राजा मूंगफली है। ठीक है, प्याज में तीखापन और गंध किसके कारण, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, तो सल्फर के कारण होता है, ये ध्यान रखना, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। कौन सी मक्का प्राचीन प्रकार की है, तो देखो प्राचीन प्रकार की मक्का कौन सी है, पोडकॉर्न, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, पोडकॉर्न, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, बीजे मसालों में सर्वाधिक लवणता सहनशील फसल कौन सी, बीजे मसालों में सर्वाधिक लवणता सहनशील, जो आपके ज्यादा पीएच मान पर, तो ज्यादा पीएच मान पर कौन सी होती है, जीरा, जैसे जोधपुर में होता है जीरा। लवणीय मृदाओं को इस विधि के द्वारा सुधारा जा सकता है, अम्लीय मृदाओं के चूने के द्वारा, लवणीय को आपके लीचिंग के द्वारा और क्षारीय को जिप्सम के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन, शुष्क कृषि से अभिप्राय है जहां वर्षा की मात्रा किससे कम होती है, 750 से कम होती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रताप किस फसल की किस्म है, तो प्रताप आपको ध्यान रखना तिल की किस्म है, विशेष रूप से कोटा संभाग में बोई जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। आधुनिक आंकलन के आधार पर राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर को किस सस्य जलवायु खंड में निरूपित किया गया है, तो देखिएगा निरूपित जो गए बी, बी से बीकाना, बीकाना के साथ जैसलमेर, तो थर्ड सी में कर दो भाई आपके यहां पर। अच्छा
यहां इसके थर्ड सी कर लो भाई, क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा सा गलत है नीचे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। मैंने थर्ड सी आपके, ये थर्ड सी क्या, फर्स्ट सी, सॉरी फर्स्ट सी, ठीक है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, यहां पर सी इसका, अच्छा वो सी राइट आंसर है, ठीक है भाई। बीकाना और जैसलमेर बायो 212 एक सोमोक्लोनन किस्म है, देखिएगा एक बायो, बायो 902, बायो 902 जो है वो आपके सरसों की किस्म है, ब्रेसिका जूनसिया की, ठीक है। बायो 902 किसकी है, ब्रेसिका जूनसिया की है, और ये बायो 212 किसकी है, लेथाइरस सेटाइवस, जिसमें पाया जाता है बी ओ ए ए, एक विशेष प्रकार का अम्ल जिसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिन आपको देखने को मिलेगा। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। बोलगार्ड, तो वर्तमान में कपास में बोलगार्ड सेकिन चल रही है, जो कि किसके प्रति, पेक्टिनोफोरा गोसीपाइला के प्रति क्या है, रेसिस्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो बोलगार्ड कपास के साथ दिखेगा, यहां ध्यान रखना फ्लेवर सेवर किसके साथ दिखेगा, टमाटर के साथ दिखेगा, यहां ध्यान रखना। ए में देखो पांच कहां है, तो राइट आंसर तो आपका यहीं पर दिख जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर लोरियल जैसे क्या है, कनोला, लोरियल कनाला, आपके मैक्सिमेन आपके मक्का में दिखाई, न्यूलीफ आपके आलू में दिखाई देगा, तो यहां पर 5, 4, 2, 3, 1 आपका सही दिखाई देगा। बोलगार्ड कपास में है, इसको मिलाते ही राइट आंसर आपको नजर आ गया, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला इनविट्रो फर्टिलिटी भैंस का बछड़ा, भैंस का बछड़ा जो एनडीआरआई करनाल में पैदा हुआ, द वर्ल्ड फर्स्ट आईवीएफ बफेलो कोफ काफ डेवलप्ड एट एनडीआरआई करनाल इज, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, गरिमा, प्रथमा या महिमा, बताइएगा। विश्व का पहला आईवीएफ भैंस का बछड़ा जो एनडीआरआई करनाल में पैदा हुआ, ठीक है, यहां बताना है विश्व का पहला आईवीएफ इनविट्रो फर्टिलिटी भैंस का बछड़ा जो एनडीआरआई करनाल में पैदा हुआ, आपको वो बताना है कौन सा है, द वर्ल्ड फर्स्ट आईवीएफ बफेलो कोफ डेवलप ऑफ एनडीआरआई करनाल, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपके अभी हाल ही में एक गंगा आपके अभी थोड़े दिन पहले ही आया था, गंगा आपके जिसको आपने चर्चा में रहा था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, बिल्कुल गाय का गंगा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहां पर बताना है कि आपके भैंस का कौन सा है, 2009 में, ठीक है, 2009 में, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, 2009 में, ठीक है भाई। तो सिप का डोली है यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, डेयरी उद्योग को प्रतिवर्ष अधिक नुकसान इस बीमारी के कारण होता है, डेयरी उद्योग को आपके सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो किसकी वजह से, मेस्टाइटिस, आपके जो मेस्टाइटिस होता है उसकी वजह से, ध्यान रखना। बेकरी उद्योग में यीस्ट का उपयोग खालिस्तान के उत्पादन के लिए किया जाता है, बेकरी उद्योग में यीस्ट का उत्पादन किसके लिए किया जाता है, CO2 के लिए, एल्कोहल के लिए, प्रोटीन या फ्लेवर के लिए, आपको बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। बेकरी उद्योग में यीस्ट का उत्पादन खालिस्तान, तो यीस्ट जो आपको बताना है बेकरी उद्योग में, तो यीस्ट जहां आपको दिखाई देता है, यीस्ट का जो अंतिम प्रोडक्ट होता है वहां पर CO2 नजर आती है, ये ध्यान रखना आपको, कहां CO2 नजर आती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखिएगा, बाजरे में हरित वाली रोग का कारण क्या होता है, बाजरे में हरित वाली रोग का कारण बताना है आपको, ठीक है। बाजरे में जो हरित वाली रोग है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा कोज बाय पैथोजन स्केलोरिस्परा ग्रेमिनिकोला फाइटोप्टेरा इस्टो आपके, तो यहां पर क्या है, बाजरे में हरित वाली रोग स्केलोरिस्परा ग्रेमिनिकोला आपको नजर आएगा, ए इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, बिल्कुल आपके CO2 अंतिम उत्पाद है, ठीक है। एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में आपके जल बराबर होता है, तो आप कर सकते हो, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर है तो ध्यान रखना, एक वर्ग किलोमीटर में 10,000 आपके सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो आपके जिसको कह सकते हैं 100 आपके 1000 से गुणा कर देना, तो यहां से 2 जीरो का 2 जीरो, 10 के बाद 10 4 और 10 की पावर 5 कहां है, तो ठीक है, तो आपको दिखाई देगा, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में पूछा है, ठीक है, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में, तो यहां पर 10,000 × 1/100 × 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 और 1 5, यहां पर जिसको कह सकते हैं कहीं पर आपके दिखाई देगा, जो 10 की पावर
फाइव आपके, या जिसको कह सकते हैं इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार, एक लाख आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना ठीक है। एक लाख चार और एक पांच, एक लाख लीटर आपको दिखाई देता है, ये ध्यान रखना ठीक है। एक लाख इकतीस सेंटीमीटर में एक लाख आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको ठीक है भाई। ये जैसे आपके क्या होता है वो एमएम में पूछता है या सेंटीमीटर में पूछता है या मीटर में पूछता है, ये ध्यान रखना आपको ठीक है। एमएम में पूछता है तब तो करते हैं 10,000 इंटू 1/10 इंटू 1/100 इंटू 1000, तो यहां पर क्या हो जाता है 1000 तीनों, तो 10,000 तो हो जाता है एमएम का। यहां पर जब पूछता है तो आपके क्या करते हैं 10,000 इंटू 1 की पावर 100 इंटू 1000, दो से दो कट जाता है एक बचता है, तो 10 की पावर 5 रह जाता है, यहां पर एक लाख हो जाता है। और 1 mm में पूछता है तो 10,000 इंटू सीधा आपके 1000 से गुणा, तो 10 की पावर 7 हो जाता है, 10 की पावर 7। यहां पर 10 की पावर कुछ है नहीं, तो 10 की पावर 5 में कुछ दिख नहीं रहा है यहां पर ठीक है, ऑप्शन में है नहीं 10 की पावर, ये वाला है नहीं, तो यहां पर इसको मैंने अलग से लिख दिया है, या तो 1 लाख लिख दो या 10 की पावर 5 लिख दो, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में नहीं है भाई, यहां पर ऑप्शन में नहीं है, ये ध्यान रखना आपको ठीक है। अगर ऑप्शन में होता तो कर देते। यदि मांग और आपूर्ति दोनों में वृद्धि समान हो तो संतुलन मूल्य क्या होगा, एफएसओ। भाई एफएसओ के लिए ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला। यदि मांग और आपूर्ति दोनों में वृद्धि समान हो, इफ द इंक्रीमेंट इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल, देन इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी। तो ध्यान रखना यहां पर आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो बढ़ता हुआ इंक्रीज या घटता हुआ डिक्रीज या स्थिर, रिमेंस कांस्टेंट आपको दिखाई देगा क्या है, तो दोनों की डिमांड और सप्लाई दोनों की बराबर है, तो डिमांड और सप्लाई दोनों है तो आपके रिमेंस कांस्टेंट, दोनों की वृद्धि समान है, ध्यान रखना दोनों की वृद्धि समान है इसलिए क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, यह ध्यान रखना आपको। एक वक्र जो दो वस्तुओं में समान संतुष्टि प्रदान करने वाले विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है क्या कहलाता है, एक कर्व विच रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू आइटम्स गिविंग इक्वल सर्टिफिकेशन इज कॉल्ड, दो आपके आइटम्स हैं उनका आपके वक्र आपको दिखाई देना है, ये ध्यान रखना आपको ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि क्या राइट आंसर होगा, तो यहां पर क्या है उदासीनता वक्र इनडिफरेंस कर्व आपको दिखाई देगा, यह ध्यान रखना आपको ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको ठीक है। 169 में विजय जी, 169 में क्या है, 169 का आप, अच्छा 169 लो भाई ठीक है। यहां पर लिखा हुआ देखो, जिसे आप कह रहे हो 100, तो देखो एक हेक्टेयर सेंटीमीटर जल बराबर होता किसके बराबर होगा, यहां पर एक हेक्टेयर सेंटीमीटर ठीक है, तो एक हेक्टेयर का बराबर होता आपके 10,000 ठीक है, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो 1000, पर इसके बराबर जल होता है ये वाला 1000 घन मीटर में लिखते हैं, तो देखो दो से दो जीरो कट गई, 1 2 3 4, अब आप या तो ये लिख दो जिसको कह सकते 4 5 और 6 ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हो, तो आप ये लिख सकते हो लीटर के रूप में, यहां पर जिसको घन मीटर, अच्छा घन मीटर में दे रखा है क्या, ठीक है घन मीटर में दे रखा है, तो आपके क्या है ये कर लो फिर, घन मीटर में दे रखा है, बिल्कुल घन मीटर में दे रखा है भाई ठीक है, लीटर में नहीं घन मीटर में दे रखा है आपको, तो घन मीटर में दे रखा है तो ये कर लो ठीक है, बिल्कुल सही है भाई घन मीटर में, सॉरी मैंने वो उसको लीटर में देखा, घन मीटर में नहीं देखा ठीक है, वो घन मीटर में है। अगला देखो, एक वक्र जो आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी गई वस्तु की इष्टतम मात्रा को दर्शाता है, ये हूबहू क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके काम में आएंगे, ध्यान रखना आपको ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल ठीक है, घन मीटर में है कोई समस्या नहीं है ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपके। एक वक्र जो आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी गई वस्तु की इष्टतम मात्रा को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है, एंजिलस वक्र के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखना आपको। एक उत्पाद की मांग जो अन्य उत्पादों की मांग से जुड़ी नहीं है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक उत्पाद की मांग किसी अन्य उत्पाद की मांग से नहीं जुड़ी हुई है उसे किस नाम से जाना जाता है, आपको यह बताना है कि उसे क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, व्युत्पन्न मांग, ड्राइव्ड कंपोजिट या ऑटोनोमस डिमांड या क्रॉस डिमांड, तो आपके इस प्रकार की डिमांड को क्या कहते हैं, स्वायत्त मांग। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के विद्यार्थी जरूर देख लेना, ये ध्यान रखना आपको ठीक है। मांग के लोच का संख्यात्मक मान क्या होगा, जब मांग को लोचदार कहा जाता है, डिमांड मांग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू आपको बताने की, इसकी वैल्यू आपके क्या होगी,
व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हिच डिमांड इज सेड टू द इलास्टिक, ये ध्यान रखना। तो किससे एक से ज्यादा आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना, किससे एक से ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक एकाधिकार बाजार में मांग की क्रॉस लोच क्या होती है। एकाधिकार बाजार की पूछ रहा है, मोनोपोली मार्केट की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। किसकी? मोनोपोली मार्केट की आपके बात कर रहा है, ये ध्यान रखना आपको। तो देखिएगा, एक से ज्यादा, एक से कम, एक के बराबर या जीरो, तो जीरो के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। जी, किसके बराबर? जीरो के बराबर। किसी उत्पाद की आपूर्ति की गई मात्रा और कीमत के बीच के संबंध की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी उत्पाद की आपूर्ति की गई मात्रा, सप्लाई जो आपने किया वो, और कीमत के बीच के प्रकृति को दर्शाता है। तो ये कौन सा है? लो ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ शेड्यूल। तो सप्लाई ऑफ लो, ठीक है, तो सप्लाई का लो आपको ध्यान रखना, लो ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम, ये ध्यान रखना। किसका? पूर्ति का नियम आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, पूर्ति का नियम। वर्तमान बाजार मूल्य पर उत्पाद की प्रति इकाई उत्पादन लागत को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना। ये आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्वेश्चंस है, आरपीएससी में पूछे हैं, डबल एओ एओ के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट एंड करंट मार्केट प्राइस इज कॉल्ड बाजार मूल्य, वास्तविक मूल्य, सांकेतिक मूल्य या उपरोक्त। वर्तमान बाजार मूल्य पर उत्पाद की प्रति इकाई उत्पादन लागत को क्या कहा जाता है, यह ध्यान रखना। तो इसे क्या कहते हैं? नॉमिनल प्राइस कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं? नॉमिनल प्राइस। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा और हमेशा भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1 अप्रैल आपको जिसको कह सकते हैं 2015 में आपको दिखाई दिया होगा। ये किसी उत्पाद के लिए उपभोक्ता जिस कीमत का भुगतान करता है, क्वेश्चन को देखिएगा, किसी उत्पाद के लिए उपभोक्ता जिस कीमत का भुगतान करता है वह उस कीमत से कम होता है जिसे वह भुगतान करने को तैयार होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? आप बिल्कुल पीएम ही आपके होते हैं, ये ध्यान रखना। तो आपके उपभोक्ता का लाभ, निर्माता का लाभ या उपभोक्ता अधिशेष, कंज्यूमर सरप्लस, तो जिसका वह भुगतान करने के लिए तैयार होता है उसे कंज्यूमर सरप्लस कह लेते हैं, ये ध्यान रखना। सी इसका राइट आंसर। 1 जनवरी थोड़ी है, 1 जनवरी नहीं है, 1 जनवरी है क्या? देख लेना, वो आपके करंट का इश्यू। वर्तमान निवेश का उपयोग करके भविष्य के मूल्य की गणना करने की प्रक्रिया को क्या कहा? वर्तमान निवेश, देखिएगा, निवेश आपने वर्तमान में किया है और आप क्या कर रहे हैं? मूल्य की जो गणना कर रहे हैं वो भविष्य को लेकर के कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग, मूल्यह्रास या डिस्काउंटिंग या अभिमूल्यन, एप्रिसिएशन, डिस्काउंटिंग, आपके डेप्रिसिएशन या कंपाउंडिंग, तो उसे क्या कह देते हैं? आपके कंपाउंडिंग कहा जाता है। वर्तमान में जी करके भविष्य की गणना करना, ठीक है, वर्तमान में जी करके भविष्य की गणना करना, तो ये आपके कंपाउंडिंग है। उत्पाद भेदभाव की एक अलग विशेषता है, ये कुछ क्वेश्चन आप जरूर देख लेना। अच्छा, 1 जनवरी है, कोई बात नहीं, 1 जनवरी तो अपना अपना सब्जेक्ट ही नहीं है, वो तो नीति आयोग के अध्यक्ष बता दिया आपने। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ, उत्पाद भेदभाव की एक अलग विशेषता है, आपको यह बताना है कि क्या विशेषता है, आपको विशेषता के बारे में बताना। अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी बाजार आपको बताने हैं, किसका क्या आपको दिखाई देगा आंसर, ये बताना है। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां देखिएगा, जो आपके इंप्रेट कंपोर्ट, आपके कंपटीशन, उत्पाद भेदभाव, उत्पाद भेदभाव आपको ध्यान, भेदभाव जहां पर आपको क्या दिखाई देगा? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता आपको यहां पर दिखाई देगी। तो यहां पर उत्पाद के साथ भेदभाव होगा, जिसकी मर्जी होगी बेचेगा, भाव को बढ़ा सकता है, भाव को गिरा सकता है, यह ध्यान। बिल्कुल कुलदीप सिंह जी, बी राइट आंसर है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है वहां पर। निम्नलिखित में से कौन से एमिनो अम्ल गुणवत्ता युक्त प्रोटीन मक्का में अधिक पाए जाते हैं? ठीक है, तो बताइएगा, स्टिडिन और आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और मिथियोनिन, थ्रियोनिन और वेलाइन, और लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन आपको दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना। मक्का में क्वालिटी प्रोटीन मेज की बात हो रही है, तो आपके यहां पर क्या दिखाई देता है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से एमिनो अम्ल गुणवत्ता युक्त प्रोटीन मक्का में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्वालिटी प्रोटीन में? स्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और मिथियोनिन, थ्रियोनिन और वेलाइन, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन, ल्यूसिन और ट्रिप्टोफेन यहां पर पूछा है। क्वालिटी युक्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्वालिटी युक्त प्रोटीन में आपके पूछा है, क्यूपीएम में पूछा है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्यूपीएम में।
पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध आपके किससे है, ऑयल सीड से है, यह ध्यान रखना आपको। बीकानेरी नरमा बीटी कॉटन, आपके बीकानेरी नरमा को बीकानेरी नरमा और बीटी कॉटन यहां विकसित की गई थी। बीकानेरी नरमा आपके क्या है, एक वैरायटी है, यह ध्यान रखना, एक क्या है किस्म है। इसका विकास कहां से हुआ यह बताना है आपको, तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ से इसका विकास हुआ बीकानेरी नरमा का, ठीक है। बीकानेरी नरमा जो आपके वैरायटी डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ से डेवलपमेंट है इसका, यह ध्यान रखना आपको। अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है, तो देखिएगा जो गे बी जू पा और ए, तो देखिएगा एक दो तीन फर्स्ट सी तक, सेकंड ए सेकंड बी और थर्ड बी, थर्ड ए, थर्ड ए का मतलब क्या हो गया, थर्ड ए का मतलब हो गया आपके इसको कह सकते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। गेहूं में शाकनाशी मेट सल्फ्यूरोन, तो आपके मेट सल्फ्यूरोन की सिफारिश की गई, मेट सल्फ्यूरोन का आपका जो है कितना इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल थर्ड बी में नहीं, थर्ड बी में तो आपके बाढ़ संभाव्य आ जाएगा, थर्ड बी में तो बाढ़ संभाव्य आता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, बाढ़ संभाव्य आता है आपका किरण चौधरी जी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मेट सल्फ्यूरान की मात्रा 4 ग्राम के आसपास होती है, ध्यान रखना आपको, सल्फो सल्फ्यूरान की 20 ग्राम। आईसीपीएल 87 किसकी किस्म है, तो आपके आईसीपीएल इक्री शेड से निकली हुई अरर की किस्म है, किसकी है, अरर की किस्म है जो इक्री शेड से निकली है, ध्यान रखना आपको। इसबगोल की बीज दर कितनी होती है, इसबगोल की बीज दर वैसे 7 से 8 केजी होती है भाई, तो देखो 10 से 12 ये रहा 7 से 8 केजी। इसबगोल क्या है, आपके प्लांटेगो ओवेटा, ये ध्यान रखना, इसबगोल प्लांटेगो ओवेटा, तो इसबगोल की बीज दर क्या है, 6 से 8 केजी है, प्लांटेगो ओवेटा आप इसे कह सकते हैं, ये ध्यान रखना, प्लांटा जीनेसी फैमिली, ध्यान रखना प्लांटा जीनेसी फैमिली का सदस्य है, ये ध्यान रखना। इसमें भूसी की मात्रा 70 से लेकर 75 अनुपात 25 से लेकर 30% तक आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यह एक औषधीय जिसको कह सकते हैं प्लांट है, रबी की सीजन है, ये ध्यान रखना, रबी की सीजन का है, ये ध्यान रखना, रबी की फसल का आपको दिखाई देगा ये प्लांट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 6 से 8 आपका ठीक है, प्लांटिक ओवेटा बिल्कुल ठीक है। सुनहरा धान नामक विटामिन ए के अग्रगामी के रूप में उत्पादन, आपके सुनहरा धान गोल्डन जो राइस है, म्यूसिलेज इसमें पाया जाता है, बिल्कुल म्यूसिलेज, आपके जो चिकनाहट होती है वो म्यूसिलेज की वजह से ही होती है आपके किरण जी। तो बीटा कैरोटीन अल्फा गामा या जीटा, तो आपके विटामिन ए का पूर्वगामी कौन सा होता है, बीटा कैरोटीन होता है, बिल्कुल 75-25 ठीक है, 75-25 बिल्कुल ठीक है। कई बार जैसे 70 से 75 और आपके 25 से 30 आपको दिखाई देगा, ये तो क्या होता है, इसका सीड होता है और ये भूसी होती है, हस्क होती है, तो बीटा कैरोटीन आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है ये आपका। भारतवर्ष के किस राज्य में बाजरा की उत्पादकता किलोग्राम सर्वाधिक है, बाजरे की उत्पादकता वर्तमान में मामला चेंज हो चुका है, ध्यान रखना, बाजरे की उत्पादकता में करंट डाटा करवाया जा चुका है, तो करंट डाटा के अनुसार आंसर देना है। इन इंडिया हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ बाजरा इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मैंने करवा दिया है करंट डाटा, ध्यान रखना है। सरसों, सरसों की उत्पादकता में ध्यान रखना, अभी हाल भी हरियाणा पहले ही स्थान पर है, ये ध्यान रखना, हरियाणा हाल ही में पहले स्थान पर है करंट डाटा के अनुसार। अब आपको बताना, हीनू जी करंट डाटा करवा दिया आपके, अच्छा आप सुपरवाइजर में है, एफएसओ वाले विद्यार्थी जवाब दे, एफएसओ वाले विद्यार्थी, एफएसओ के विद्यार्थी जवाब दे, बाकी तो छोड़ दे, बिल्कुल किरण चौधरी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब किरण चौधरी जी ने सही जवाब दिया है, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है किरण जी आपका, मैंने कहा करंट डाटा के अनुसार जवाब देना, किरण चौधरी जी का एकदम परफेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना है, हरियाणा था अब नहीं है, ये ध्यान रखना। साक्षी गौतम जी करंट अफेयर्स में करवाया है मैंने, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, करंट अफेयर आपके करंट अफेयर्स में मैंने करवाया है, डी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल पूजा जी एकदम सही है, डी आंसर आपका। फिटनेस जी हरियाणा पहले था आजकल नहीं है। गेहूं के अंकुर है तो इष्टतम तापमान कितना है, 25 से 27, 20 से 22, 15 से 17 या 10 से 12, तो आपके जिसको कह सकते हैं वैसे तो तापमान कितना होता है, 20 से 25 डिग्री आपके आसपास जो आपको तापमान दिखाई देगा, ये ध्यान, 20 से 25, तो 20 से 25 क्या है यहां पर,
ये रहा 20 से 22 वाला आंसर, आपका सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है भाई, 20 का राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां देखिएगा, फसल का मतलब एग्रो, वृक्ष का मतलब आपको बताना है चारागाह, और पशु से मिलकर जो कृषि का आपको रूप दिखाई देगा। तो देखिएगा सिल्वी तो आ ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना आपको, सिल्वी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पहले सिल्वी नहीं है, पहले कौन सा एग्री है, ये ध्यान रखना आपको अच्छे से बताना है। तो ध्यान रखना एग्री, वृक्ष आपका क्या होगा, वृक्ष में सिल्वी आएगा, सिल्वी के बाद में देखिएगा चारागा प्लस पशु, तो पास्चुरल भाई। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के विद्यार्थी जवाब अच्छे से देना, क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ आएगा, क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ आएगा। एग्री फसल में एग्री है, ये रहा वृक्ष, वृक्ष का मतलब होता है आपके जो विशेष रूप से फॉरेस्ट ट्री के लिए वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं सिल्वी, सिल्वी दोनों में है तो इसको काट दो। फिर देखिएगा चारागाह, चारागाह में पशु चरते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, पास्चुरल कहा जाता है। तो एग्री सिल्वी पास्चुरल कल फूड सेफ्टी ऑफिसर में पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म शिमला मिर्च की किस्म है, आपको बताना कि शिमला मिर्च की किस्म कौन सी है, पूसा ज्वाला, जवाहर या फूले ज्योति। तो येलो वंडर आपका किसकी है, शिमला मिर्च की है, ये ध्यान रखना आपको। फूलगोभी में विप्टेल व्याधि किसकी कमी से होता है, विप्टेल किसकी कमी से होगा, तो मोलिब्डेनम की कमी से होता है, ये आपके ध्यान रखना, विप्टेल अगर आप देखेंगे। मूंगफली के पौधों का वह भाग, वह कौन सा भाग है जो होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुइनिया खाता है, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुइनिया का मतलब होता है आपके व्हाइट गर्भ की बात कर रहा है, ये ध्यान, किसकी बात कर रहा है, व्हाइट गर्भ की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। व्हाइट गर्भ आपको बताना कौन से भाग को प्रभावित करती है, तो व्हाइट गर्भ किसको प्रभावित करती है, ये ध्यान रखना, किसको, रूट को प्रभावित करती है व्हाइट गर्भ, ये ध्यान रखना, जड़ को। ये खपरा भृंग क्या है, आपको बताना है खपरा भृंग क्या है, आपके खपरा बीटल, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, राइजोपर्था डोमिनिका, आपके सिटोग्रोगा, आपके श्री एलीला, साइटोफेलस ग्रेनेरियम। तो आपको खपरा भ्रंग जो होता है या खपरा बीटल जो होता है वो आपके ट्राइगोगर्मा ग्रेनेरियम जो होता है उसकी वजह से होता है। व्हाइट गर्भ बिल्कुल ठीक है आपका, होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुइनिया। ये आम के फुदका कीट का एकांतर मेजबान पौधा है, द अल्टरनेट होस्ट प्लांट फॉर मैंगो होपर्स। देखिएगा मैंगो होपर्स को कंट्रोल करना है तो इसके अल्टरनेट जो प्लांट है उसको कंट्रोल कर लीजिएगा, आपके जिसको कह सकते हैं। तो यहां पर क्या है, नीम, सिट्रस, जामुन उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहां पर क्या है, इनमें से किसी पर भी आपका नहीं पाया जाता आपके फुदका। वर्ष 2009-10 में भारतीय प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी, इसको कर लो आपके 2021 और 22 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, 444 ग्राम है, ये ध्यान रखना आपको, कितनी है, 444 ग्राम। लागत में परिवर्तन हेतु वस्तु अथवा सेवा के गुणों की खालिस्तान की प्रतिक्रियाशीलता द्वारा अनुकूलित होती है, यह आपके क्या है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान रखना, आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के विद्यार्थी जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो लागत में परिवर्तन हेतु वस्तु अथवा सेवा के गुणों की प्रतिक्रियाशीलता अनुकूलित होती है, मांग के मूल्य के लचीलापन, पूर्ति के मूल्य के लचीलापन, या मांग में आय का लचीलापन। तो आपको राजस्थान में बिल्कुल 1150 है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर मांग के मूल्य में लचीलापन, मांग के मूल्य में लचीलापन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बाजार की वह अवस्था जिससे पूर्ति और मांग यथार्थ बराबर हो वह क्या कहलाती है। मांग और पूर्ति अगर आपके बराबर है, देखिएगा क्या कर रहा है, जितनी मांग है जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब आपके इक्विलिबेरियम जिसको कह सकते हैं, समरूपता या समतुल्यता आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना, इक्विलिबेरियम, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर आपके कोई विशेष समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, बड़े व्यवसायों के कृषि व्यवसाय में प्रवेश करने से कच्चे माल के उत्पादन क्रय के एक नए अनुबंध को क्या कहा जाता है, ठीक है। बड़े व्यवसायों के कृषि व्यवसाय में प्रवेश करने से कच्चे माल के उत्पादन क्रय के नए अनुबंध को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। जीविका उपार्जन कृषि, सामुदायिक कृषि, या संविदा कॉन्ट्रैक्ट, या सहकारी कृषि। तो बड़े व्यवसाय के आपके क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहलाती है, वो ध्यान रखना, क्या कहलाती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहलाती है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब से है, तो बताइएगा भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य भारत कब से, तो भारत WTO का सदस्य अगर देखा जाए तो जब से इसकी WTO की स्थापना हुई है तब से क्या है आपके 1 जनवरी 1995, बिल्कुल दोहरा शतक लग गया है भाई, ठीक है। तो यहां पर ए इसका राइट आंसर है। WTO किसकी जगह बना, तो WTO आपके अस्तित्व में आया गेट की जगह, कौन से, मरास्कस समझौता आप सभी ने देखा होगा, ये ध्यान रखना आपको।
वह नीलामी बाजार जिसमें भागीदार करिए एवं विक्रय स्पष्ट भविष्य तिथि पर अंतरण स्वरूप करें वह क्या कहलाता है। आपको यह बताना है कि क्वेश्चन के अनुसार अगर आप देखें तो क्या है, क्वेश्चन क्या है, वह नीलामी बाजार जिसमें भागीदार करिए यानी कि खरीदने वाला, वह विक्रय स्पष्ट भविष्य तिथि यानी कि भविष्य को देख करके अगर हम बात करें तो भविष्य को देख करके करने वाला क्या कहलाता है, यह ध्यान रखना, भावी बाजार कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूचर मार्केट कहते हैं इसे, यह ध्यान रखना है आपको। शुष्क उपाद्र जलवायु के शुष्क क्षेत्रों में से कौन से प्रकार का मृदा निम्नीकरण अधिक होता है, शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क उपाद्र जलवायु के शुष्क क्षेत्रों में कौन से प्रकार का मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है, यह आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोइल डिग्रेडेशन इज मोस्ट डोमिनेटेड इन ड्राई लैंड्स ऑफ ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट, क्या कह रहा है यह देखना। शुष्क उपाद्र जलवायु के शुष्क क्षेत्रों में से कौन से प्रकार के मृदा निम्नीकरण अधिक होते हैं, यहां पर क्वेश्चन को देखना और फिर इसका जवाब आप सही से देना। यह क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोइल डेग्रीडेशन इन मोस्ट डोमिनेट इन ड्राई लैंड्स, यह कह रहा है कि जो शुष्क क्षेत्र है उनमें से ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट में पूछ रहा है, ध्यान है ड्राई सब ह्यूमिड, यह सिर्फ शुष्क में नहीं पूछ रहा, ड्राई सब ह्यूमिड में पूछ रहा है, तो ध्यान रखना। उप आद्र की जब बात करते हैं, उप आद्र जलवायु, उप आद्र में हमारे क्या आता है, दक्षिण राजस्थान आता है और दक्षिण राजस्थान में वाटर इरोजन होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, यह ध्यान रखना आपको, इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, विंड इरोजन नहीं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोइल डेग्रीगेशन इज मोस्ट डोमिनेटेड इन ड्राई लैंड्स ऑफ ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट, ध्यान रखना क्लाइमेट कैसी है आपके, सब ह्यूमिड क्लाइमेट है, ध्यान रखना आपको। किसी भूमि या उसके खंड को एक ही समय या क्रम से चारा खाद्यान्न और ईंधन के लिए उपयोग में लिए जाने की अवधारणा को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चारा, तो ध्यान रखना चारा, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चारा, फिर कह रहा है खाद्यान्न और ईंधन, ध्यान रखना आपके एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का ही आपके जो है क्वेश्चन है, यह ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर लेकर सी सामुदायिक वानिकी उद्यान चारा का, होर्टी पास्चुरल आपके है नहीं, यहां पर क्या चारा वानिकी, सिर्फ फोरेज आपके जो कह सकते हैं फॉरेस्ट्री, चारा खाद्यान्न ईंधन, तो यहां पर फोरेज आपके वो कह सकते हैं फॉरेस्ट्री। नेपियर घास का बोटनिकल नाम, ध्यान रखना इस बार नेपियर घास आपका चर्चा का विषय है, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना नेपियर घास आपका चर्चा का विषय है। प्रत्येक पंचायत स्तर पर राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क आपके क्या है, नेपियर घास उपलब्ध करवाई जा रही है, नेपियर घास के प्रावधान उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार इस पर अनुदान भी दे रही है, यह ध्यान रखना। तो नेपियर घास का अगर बोटनिकल नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, पेनिकम मैक्सिकम मैक्सिमम पेनिसेटम परप्यूरियम आपके स्टाइलेंथिस गुआइनेंसिस या सेकरेंसिस जेटीरियस, तो पेनिसेटम परप्यूरियम आपके नेपियर घास, ध्यान रखना नेपियर घास वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर, ध्यान रखना दो पंचायत स्तर पर आपके, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इस बजट की घोषणा में है, ये बजट घोषणा में मक्का एक उदाहरण है किसका, C4 प्लांट का। गेहूं को पकने हेतु औसत तापमान, तो गेहूं के पकते समय औसत तापमान आपके कितना होता है, 8 से 12, 14 से 16, 18 से 20, 22 से 24, तो पकते समय तापमान आपके कितना होता है ये बताना है। तो पकते समय 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल आपके पारस सैनी जी बिल्कुल सही है। गन्ने के पुष्परम को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है, तो पेनिकल एरो टेसल या बोल्ट, तो आपके क्या कहते हैं एरो और इसकी प्रोसेस को एरोइंग कहा जाता है। निम्न में से जो कि कौन सी किस्म राजस्थान राज्य के असिंचित व देरी से बुआई वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, क्या पूछ रहा है, जो की किस्म पूछ रहा, आरडी 20 35 25 52 25 08 और 25 92, ये जो की किस्म है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये किस्म बताना जो देरी से बुआई के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, तो यहां ध्यान रखना आरडी 25 08 क्या है, आरडी 25 08 आपके असिंचित और देरी से बुआई के लिए। पपेन किस फल से निकाला जाता है, तो पपीते से पपेन प्राप्त किया जाता है। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, तो अमरूद जेली के लिए सबसे उपयुक्त फल है। कैनिंग में उपयुक्त सब्जी कौन सी, कैनिंग में डिब्बाबंदी में आपके मटर
और उधर अंगूर ये ध्यान रखना है आड़ 2508 ध्यान है 2508। बटनिंग का विकार किसकी वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो ध्यान रखना डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, बटनिंग होता है, बोरोन की डेफिशिएंसी से ब्राउनिंग होता है, यह ध्यान रखना है आपको। छिलका सहित खाने योग्य मटर की किस्म है? छिलका सहित आपके क्या है, सिल्विया को क्या करते हैं, आपके छिलके सहित खाया जाता है, यह ध्यान रखना आपको। ठीक है, छिलके सहित इसे खा लिया जाता है, यह ध्यान रखना आपको। किसको? सिल्विया को छिलके सहित खा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, गुलाब में बडिंग का उपयुक्त समय है, तो सर्दियों में गुलाब में क्या की जाती है, आपके बडिंग की जा सकती है, तो सर्दियां कब है? दिसंबर से जनवरी का महीना आपके क्या दिखाई देगा, यहां आपको दिखाई देगा, यह ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, सब्जियों के नुकसान और सड़न के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सब्जियों के नुकसान और सड़न के लिए पूछ रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैजुअल एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉयलेज एंड रोटिंग वेजिटेबल्स। तो आपको पता है सब्जियों की नेचर कैसी होती है, सब्जियों की नेचर होती है क्षारीय, यह ध्यान रखना आपको। सब्जियों की नेचर होती है क्षारीय, यह ध्यान रखना है आपको। और यहां पर जब क्षारीय है तो कवक नहीं होगा, वायरस नहीं होगा, क्या होगा, बैक्टीरिया। सब्जियों को नुकसान पहुंचाएगा बैक्टीरिया, यह ध्यान रखना। फ्रूट्स होता तो फिर आपके यीस्ट और मोल्ड आ जाते। गेहूं का करनाल बंट किसके द्वारा होता है? करनाल बंट आपको बताना है, गेहूं में होने वाला करनाल बंट किसके द्वारा होता है? तो यहां पर ध्यान रखना किसके द्वारा, पक्सिनिया ग्रेमिनस, स्केलोरिस्परा ग्रेमिनिकोला बाजरे में है, फ्यूजेरियम आपका नहीं है, टिलीसिया इंडिका आजकल इसे कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, टिलीसिया इंडिका, करनाल बंट, निवोशिया इंडिका जिसे आप कहते हैं, उस निवोशिया इंडिका की जगह कौन सा आ गया, टिलीसिया इंडिका। देखो भाई एक बार, ठीक है 218 तक हो गई, कर लेंगे अभी। बिल्कुल ठीक है किरण जी, मछली जैसी सुगंध जो आप बता रहे हो बिल्कुल ठीक है आपका। चलिए आगे, ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आरपीएससी की प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। आइएगा अगला क्वेश्चन, नींबू में कैंकर रोग किसकी वजह से होता है? तो आपके जेंटोमोनास सिट्राई की वजह से होता है और आपके बैक्टीरिया के द्वारा। हेलिकोर्पा आर्मिद्रा किस फसल को प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाता है? तो आपके ग्राम पोड बोरर के नाम से जाना जाता है, यह ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बरूती नाशक है, मीटी साइड है, यह ध्यान रखना आपको, मीटी साइड पूछा है, यह ध्यान रखना आपको, ठीक है, तो एसीफेट, इमिडा क्लोरोपिड या आपके ओमाइड 57 या 48, यह ध्यान रखना आपको, ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर क्या है, ओमाइड 57 आपका यहां पर राइट आंसर, यह ध्यान रखना आपको, ठीक है। भारत में बीज का निरीक्षण आवश्यक है, तो बताइएगा भारत में, इन इंडिया सीड इंस्पेक्शन एसेंशियल फॉर, भारत में बीज का जो निरीक्षण है वो आवश्यक है, ये बताना है आपको, ठीक है, तो बताइएगा यहां पर। तो देखिएगा न्यूक्लियस सीड ब्रीडर या फाउंडेशन, देखिएगा पहले सर्टिफाइड सीड का निरीक्षण आवश्यक है, तो इसमें सर्टिफाइड है ही नहीं, इसमें सर्टिफाइड है, इसमें सर्टिफाइड है। फिर देखिएगा आधार बीज, आधार इसमें भी है, इसमें आपके आधार है, फाउंडेशन, ठीक है, यहां देखो ब्रीडर है, फाउंडेशन है, तो आपके न्यूक्लियस सीड इसमें शामिल नहीं होता, ये ध्यान रखना, न्यूक्लियस सीड साउंड आपके शामिल नहीं होता है, ब्रीडर, फाउंडेशन और आपके, ये तीन प्रकार के बीज है जिनका हमें क्या करना होता है, टेस्टिंग करना होता है, परीक्षण करना होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो भारत में बीज का निरीक्षण आवश्यक है, क्योंकि न्यूक्लियस सीड तो आपके खुद ब्रीडर बनाता है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको, इसकी टेस्ट, इसका परीक्षण नहीं किया जाता है, नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप में विश्वसनीय है, 100% शुद्ध है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो आप फिटनेस जी डी दे रहे हो, डी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां पर रजिस्टर्ड बीज पैदा ही नहीं किया जाता, फिटनेस जी रजिस्टर्ड सीड भारत में पैदा नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। जब रजिस्टर्ड सीड भारत में पैदा नहीं किया जाता है तो इसकी परीक्षण की या निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्या है, भारत में बीज का निरीक्षण आवश्यक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे तो पहली चीज, भारत में बीज पैदा नहीं किया जाता, कौन सा, रजिस्टर्ड, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। सर्टिफाइड का हमेशा टेस्ट होता है, तो सर्टिफाइड इसमें है ही नहीं है,
तो ये वैसे गलत हो जाएगा। और फिर देखिएगा यहां पर दे रखा है न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड का टेस्ट नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका बी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बी राइट आंसर होगा इसका। बीज उत्पादन के दौरान उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा खेत में दिखाई दे तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज सेम क्रॉप इन कोल्ड खरपतवार वॉलेंटियर ऑफ टाइप या इसे कहते हैं ऑल ऑफ दीज, किस नाम से जाना जाएगा आपको यह बताना है, तो बताइएगा इसे क्या कहते हैं। तो आपके इसे क्या कहते हैं, ऑफ टाइप सीड कहा जाता है, क्या कहते हैं, ऑफ साइड, जो ऑफ टाइप सीड होते हैं उसे। किसी वस्तु की मांग बेलोच होने पर यदि कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ताओं द्वारा उस वस्तु पर किया गया कुल व्यय बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो बताइएगा। किसी वस्तु की मांग बेलोच होने पर, मांग क्या हो गई, बेलोच हो गई, यदि कीमत बढ़ती है, प्राइस अगर हाइक होती है तो उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किया गया कुल व्यय क्या बढ़ेगा, जब कीमत बढ़ गई तो आपके कीमत के साथ साथ क्या बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। वीड तो सब है किरण जी, वीड तो कोई भी प्लांट हो सकता है, वीड तो कोई भी प्लांट हो सकता है, लेकिन राज 3077 में राज 33 आपके 1482 है, तो वो आपके क्या होगा, जिसको कहा जाए तो आपके वो होगा, ये ध्यान रखना आपको, तो बढ़ेगा, ये ध्यान रखना आपको, जब आपके क्या बढ़ गई, कीमत बढ़ गई तो उपभोक्ता पर उस वस्तु पर किया गया वे भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है, रेचिंग, राजकीय खेती, विशिष्ट खेती या विविध खेती, तो ध्यान रखना स्पेशलाइज्ड फार्मिंग आपके जिसको कह सकते क्या है आपको ध्यान रखना, रेचिंग, स्टेट फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, तो आपके ये क्या है, स्टेट फार्मिंग जो होती है, राजकीय खेती जो होती है, ये आपके खेती का प्रकार नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, खेती का प्रकार नहीं होता है, राजकीय स्टेट फार्मिंग कोई खेती का प्रकार नहीं होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। राजकीय खेती, स्टेट फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, तो आपके जिसको कह सकते हैं 50% से ज्यादा जो आपको दिखाई देगा वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। निम्न में से कौन सा विपणन मध्यस्थ, आपके यहां विपणन मध्यस्थ की बात हो रही है, ध्यान रखना आपको, ठीक है, विपणन मध्यस्थ की, यहां देखिएगा, निम्न में से कौन सा विपणन मध्यस्थ वास्तव में वस्तु का क्रय द्वारा भविष्य में मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लाभ अर्जित करने हेतु स्वामित्व का ग्रहण करता, सट्टा मध्यस्थ, आड़तिया, दलाल या परिष्करण करता, तो आपको यहां बताना है। तो यहां पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा विपणन मध्यस्थ, विपणन मध्यस्थ वास्तव में वस्तु का क्रय द्वारा भविष्य में मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लाभ अर्जित करने हेतु स्वामित्व ग्रहण करता है, तो उसे सट्टा मध्यस्थ कहते हैं, आड़तिया कहते हैं, कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट नहीं कहते, दलाल नहीं है, प्रोसेसर नहीं है, ये सट्टा मध्यस्थ होता है, ये ध्यान रखना आपको, स्पेसिकुलेटिव मिडिल्समैन कहलाता है, ये ध्यान रखना। आड़तिया अपनी, उसको अपनी आड़त से मतलब होता है, आड़तिया को अपनी आड़त से मतलब होता है, ये ध्यान रखना, स्वामित्व ग्रहण नहीं करता है, ध्यान रखना। आड़तिया और दलाल दोनों के दोनों ऐसे मिडिल्समैन है जिन, जो कि वस्तु को क्रय नहीं करते, बिल्कुल किरण जी एकदम सही जवाब दिया आपने, सट्टा मध्यस्थ यहां पर स्पेकुलेटिव मिडिल्समैन होते हैं, जो उसको खरीद लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये करवाया हुआ क्वेश्चन है आपके एफएसओ में, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। पीएमकेएसवाई से क्या तात्पर्य, प्रधानमंत्री किसान साथी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो यहां पर देखिएगा प्रधानमंत्री कृषक साथी योजना भी होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर पीएमकेएसवाई का जो तात्पर्य होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना होता है, यह ध्यान रखना, इसमें 60-40 का रेशियो होता है। निम्न बारंबारता बंटन वर्गीकृत किया जा सकता है, अब देखो भाई ये बारंबारता का क्वेश्चन डल गया, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला है जिसको कहा जाए कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। कक्षाएं ये क्लास और बारंबारता 0 से 5, 0 से 10, 0 से 15, 3, 8 और 17, खालिस्तान
से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, या असतत बारंबारता बंटन या सतत बारंबारता बंटन। ये क्वेश्चन मैंने डाला जरूर है और आरपीएससी के अनुसार इसका जो राइट आंसर रहा था वो राइट आंसर क्या रहा था, से कम प्रकार संचयी बारंबारता बंटन। इसको चेक कर लेना। यह क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के विद्यार्थियों के लिए है, यह ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर आप चेक कर लेना भाई एक बार। निम्न में से प्रसरण का इकाई रहित माप कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मानक विचलन, माध्य विचलन, प्रसरण गुणांक या परास, आपको यहां बताना है। तो ध्यान रखना कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन होता है, ध्यान रखना आपको। अरे दशरथ जी एग्रीकल्चर के लिए क्यों नहीं है? प्रसरण गुणांक, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। यदि एक्स और वाई स्वतंत्र चर है तो इनके बीच सहसंबंध गुणांक क्या होगा? एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है? स्वतंत्र चर है, यह ध्यान रखना आपको। एक्स और वाई जिसको कह सकते हैं स्वतंत्र चर है, यह ध्यान रखना आपको। देखिएगा ये स्टेटिक्स जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स का है, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो x और y स्वतंत्र चर है, इनके बीच सहसंबंध गुणांक होता, दोनों स्वतंत्र है तो क्या है? शून्य आपको दिखाई देगा, दोनों के दोनों अपने अलग अलग है, ये ध्यान रखना आपको। एक विक्षेप रेखा चित्र में यदि सभी बिंदु एक सरल रेखा में बाएं से दाएं ओर स्थित होते हैं, एक विक्षेप रेखा में बाएं से दाएं जिसको कह सकते हैं आपके स्थित होते हैं, उनमें होगा धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, पूर्ण धनात्मक या पूर्ण ऋणात्मक संबंध, ये ध्यान रखना आपको। तो आपके ये क्या होता है, इसे कहते हैं पूर्ण ऋणात्मक संबंध, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ये ध्यान रखना आपको भाई। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि आपको आरपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ करके चले जाओगे तो आपका एग्रीकल्चर जो स्टेटिक्स वाला जो पार्ट है उसका एक से दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मुझे विश्वास है यहां से क्वेश्चन आपका हूबहू जो डिट्टो कॉपी है वो आपको देखने को मिल सकती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बीज की वायबिलिटी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन काम में लेते हैं? सीड की वायबिलिटी टेस्ट के लिए टेट्राजोलियम क्लोराइड केमिकल आपका वायबिलिटी के लिए काम में लिया जाता है। आधार बीज के कट्टे पर लगा चिन्हित रंग आपको किस प्रकार का, आधार जो बीज होता है उस पर टैग का रंग कैसा होता है? तो आधार पर कैसा होता है? सफेद होता है, ये ध्यान रखना आपको। नीला प्रमाणित पर होता है, प्रजनक पर सुनहरा होता है, ये ध्यान रखना। 21 सितंबर को सुपरवाइजर किए हुए। अगला देखो एमपीएमएच 17, आरएचवी 223, एमपीएमएच 21 और आरएचवी 224। एमपीएमएच 17, एमपीएमएच 21, आपके आरएचवी 223, आरएचवी 224, ये सारी की सारी किस्म किसकी है? बाजरे की है, ये ध्यान रखना। किसकी? बाजरे की किस्म है, ये ध्यान रखना आपको। किसकी किस्म है? बाजरे की किस्म है, ये ध्यान रखना। अगला देखो गुच्छा रोग एक देहिक विकार है, गुच्छा मुच्छा रोग, ठीक है, गुच्छा मुच्छा रोग। अरे भाई जगदीश जी ये क्वेश्चन है आरपीएससी की विभिन्न एग्जाम्स में पूछे हुए एग्जाम्स है में क्वेश्चन है, जो कि एफएसओ का जो सिलेबस का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये आपके जिसको कह सकते हैं सभी एग्जाम्स में सुपरवाइजर वगैरह में देखने को मिलता है। तो गुच्छा मुच्छा रोग किस में दिखाई देगा? आम में। अगला क्वेश्चन देखो ललित किस फसल की किस्म है? तो ललित अमरूद की है, लाल गुदे वाली। हाइब्रिड टी गुलाब का व्यावसायिक प्रबंधन निम्नलिखित में, हाइब्रिड टी का तो आपको बताओ किससे करोगे? टी कलिका इनसे। हाइब्रिड का किससे करोगे? आपके हाइब्रिड का टी से करोगे, ध्यान रखना। ये आपको ध्यान रखना भाई, आपके याद ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। टी बडिंग आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गुलाबी सड़न रोग किस फसल में पाया जाता? पर्पल ब्लोच बताना कि पर्पल ब्लोच जो है किस में पाया जाता है? तो पर्पल ब्लोच किस में पाया जाता है? प्याज में। प्याज में एक जलेबी रोग हो रहा था, ध्यान रखना प्याज में जलेबी रोग, जो कि विशेष रूप से गंगानगर इधर वाले क्षेत्र में देखने को मिला था। रूबी किस फसल की किस्म है? शुरुआत में बताया था रूबी किसकी है, तो रूबी अनार की किस्म है, पूसा रूबी टमाटर की है। गुलाब की कौन सी स्पेसीज में सुगंधित तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो रोजा डोमेंसियाना। किस में होता है? रोजा डोमेंसियाना। रोजा डोमेंसियाना कहां है? ये रहा रोजा डोमेंसियाना, जो कि हल्दी घाटी और आपके कहां पाई जाती है, ये ध्यान रखना, हल्दी घाटी और आपके खमनोर राजसमंद जिले में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन डिब्बाबंदी के पहले कौन से फल की छिलाई नहीं की जाती है? अनानास, मैंगो, चेरी और एप्पल। किसकी आपके क्या नहीं की जाती है? आपके जिसको कहा जाए तो, जिसको कह सकते हैं आपके
छिलाई नहीं होती, एक प्रकार से पीलिंग कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पीलिंग नहीं होती है। तो डिब्बाबंदी में पीलिंग किसकी नहीं होती है आपको ये बताना है। तो बताइएगा आपकी पीलिंग किसकी नहीं होती, तो आपके चेरी की पीलिंग थोड़ी की जाती है, बिल्कुल चेती या दमस्क गुलाब उसे ही कहा जाता है बेटा। तो यहां पर कौन सा है, चेरी। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना वो विद्यार्थी एफएसओ वाले, बिल्कुल चेरी का अच्छा आपने इमेज बनाया। पूसा मुक्ता मुक्त है, पूसा मुक्ता मुक्त है और किसकी है, मुक्त है। तो आपके पूसा मुक्ता मुक्त है ये ध्यान रखना आपको, कौन से किसकी है, पत्ता गोभी की। आद्र गलन रोग कौन से फल में सामान्यतः पाया जाता है, डैम्पिंग ओपीथियम आपके जो होता है किसमें, पपीते में देखने को मिलता है, नर्सरी का रोग है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 16-17 में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन स्तर क्या था, यह तो पुराना हो गया। अब देख लीजिएगा 2021 और 22 की अगर हम बात करें, तो आपके 2020 और 21 की अगर हम बात कर लेंगे तो आपके लगभग जिसको कह सकते खाद्यान्न का उत्पादन 315 मिलियन टन आपको नजर आएगा, ध्यान रखना 315 मिलियन टन आपको नजर आएगा। तो इसका हम छोड़ देते हैं, वैसे राइट आंसर उस समय की परिस्थितियों के अनुसार 275 के आसपास हो जाएगा। कृषि जनगणना 15-16 के अनुसार 2010-11 की तुलना में 15-16 में राजस्थान में भू जोतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आई, ये परसेंट की कमी पूछ रहा है कि कमी कितने परसेंट की आई, यहां ध्यान रखना आपको। हाँ अभी ध्यान रखना 315 आपका सही है, 315 बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखना भारत राजस्थान की जो लैंड हेल्डिंग जो कैपेसिटी है उसमें जो गिरावट हुई वो गिरावट कितनी, लगभग 0.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। वर्तमान में लैंड होल्डिंग कितनी है राजस्थान में, 2.73 जो आज के सेशन में करवाया था। विपणन ऋतु वर्ष 2018 को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो ध्यान रखना एमएसपी गेहूं की आप देख करके चले जाना कि गेहूं की एमएसपी कितनी है, ये ध्यान रखना आपको। कोई बता सकता है गेहूं की एमएसपी, भाई एमएसपी आप एमएसपी जो है कौन करता है, सीएसीपी इसकी कैलकुलेशन करता है। ये तो पुरानी बात है 2018 गुनीस, हम 23-24 की बात कर लेते हैं। 23-24 के अनुसार आपको यह बताना है कि 23-24 के अनुसार एमएसपी गेहूं की एमएसपी कितनी है, यह बताना है गेहूं की एमएसपी। गेहूं की एमएसपी कितनी है, अलग अलग आपके एमएसपी जो है अलग अलग क्रॉप्स में आपको एमएसपी देखने को मिली होगी, ठीक है, कईयों का 2125 आ रहा है, कईयों का 2250 आ रहा है। करंट की एमएसपी जरूर देख करके जाना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। करंट की 2190 नहीं है, देख लीजिएगा, मैं आपको अंत में मैं बता दूंगा यहां पर कि आपके एमएसपी कितनी है, याद दिला देना, मैं बता दूंगा आपको। भारतीय खाद्य निगम आपको बताना, तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1965 में होती है, नाबार्ड की स्थापना 1952 में होती है, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना 1984 में है, राष्ट्रीय सरसी आपके जो है नाफेड जो है आपके 1958 में है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इसका, 4-4 के बाद में 2-3 और 1, 4-2-3-1। एमएसपी देख करके जाना, ये ध्यान रखना आपको, एमएसपी देख करके जाना, ये ध्यान रखना आपको। फार्म उत्पाद की समान मात्रा के लिए उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमत तथा उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई शुद्ध कीमत के अंतर को क्या कहा जाता है। देखिएगा, एक कोई व्यक्ति है जिसने आपके दिया है और एक व्यक्ति जिसने वो आपको प्राप्त किया है, इन दोनों का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। फार्म उत्पाद की समान मात्रा के लिए उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमत और उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई इन कीमत, इन दोनों का जो आपके अंतर है उसे क्या कहते हैं, प्राइस स्प्रेड कहते हैं, कीमत विस्तार कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त पोषण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, अप्रत्यक्ष वित्त पोषण पूछ रहा है, ये ध्यान रखना आपके। तो अप्रत्यक्ष वित्त पोषण भूमि सुधार के लिए दिए गए ऋण से, दुधारू मवेशी के लिए दिए गए ऋण से, पादप संरक्षण उपाय के लिए दिए गए ऋण से, कृषक सेवा समितियों को उपलब्ध करवाए गए ऋण से। ये तीनों ऋण आपके किसान को मिल रहे हैं, कृषक सेवा समितियों को उपलब्ध कराए गए ऋण से आपका क्या है, इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। नाबार्ड का मुख्यालय कहां है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको बताना कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां है, ये ध्यान रखना आपको। नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको बताना है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां होता है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपके मुंबई में, महाराष्ट्र में। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन सी वर्ष, पीएमएफबीवाई 2016 में शुरुआत हुई थी,
1.5% रबी में, खरीफ में 2% और आपके व्यावसायिक में 5%। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY में भारत सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2015-16 से भारत सरकार ने अपने योगदान को कम किया। पहले ही आपके क्या होता 100% वित्त पोषित था, 100% वित्त पोषित था, लेकिन फिर आपके क्या कर दिया, इसे घटा करके 100 से कितना कर दिया, पहले RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पहले 100% वित्त पोषित थी केंद्र सरकार से, इसे घटा करके 100 की जगह कितना कर दिया, 60 कर दिया। ये ध्यान रखना आपको। तो आजकल 60% केंद्र सरकार देती है और आपके जिसको कह सकते हैं राज्य सरकार 40%। 11 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 13 को हटा दिया जाए तो बाकी 10 संख्याओं का, तो देखिएगा 11 गुणा 7 कर लेना, 11 संख्याओं का समांतर माध्य 7 होता है, 77 हो जाता है, उनमें से एक संख्या 13 हटा दी जाती है, तो 13 हटा दोगे तो 4 × 1 = 64 बच जाती है। और बताइएगा तब बची 10 संख्याओं का आपके क्या है, इसका बताना है कि 10 संख्याओं का आपका समानांतर जो माध्य है वो माध्य आपको ध्यान रखना कितना बच जाएगा। तो 10 का पूछा है तो 10 का भाग देना 6.4, ठीक है 6.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है, विशेष रूप से आपके जो स्टैटिक्स का जो क्वेश्चन है आपके सर ने करवाया होगा इस प्रकार का क्वेश्चन, ये ध्यान रखना आपको। कटवॉर्म और एग्रोटिस इप्सिलोना किस फसल का कट आपके, तो एक तो कर, आपका जिसको कह सकते हैं कटवर्म, कटवर्म का दूसरा नाम है एग्रोटिस इप्सिलोना आपके इप्सोना, तो इसको क्या कह सकते हैं आपके, किसका है, चने का, ये ध्यान रखना किसका है, चने का। अरहर की किस्म ICPL 87 प्रगति कहां से जारी हुई, तो आपके ये कहां से जारी हो सकती है, तो ये इकरी सेठ से जारी होती है। आइएगा निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकुल किस्म नहीं है, संकुल किस्म नहीं है यानी कि एक इनमें से संकुल नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर अगेती 76, नवजोत, प्रभात और सरताज, सरताज यहां पर क्या नहीं है, संकुल किस्म नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। आधार बीज की थैली पर किस रंग का टैग लगा होता है, तो आधार पर देखिएगा गोल्डन येलो किस पर होता है, पीला प्रजनक पर होता है, नीला आपके प्रमाणित पर होता है, यहां पर किस पर आ जाएगा, सफेद रंग का टैग, ये पूछा जाएगा। माधुरी मक्का के किस वर्ग की किस्म है, माधुरी देखिएगा, माधुरी अगर आप देखोगे तो माधुरी कितना मीठा नाम है, तो मीठा नाम किसका हो सकता है, तो मीठा नाम आपके स्वीट कॉर्न का होगा, माधुरी प्रिया, माधुरी प्रिया सारे इसी के हैं, स्वीट कॉर्न के से केराटा के। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कहाँ है, तो कालीकट केरल में है। तिल की वह किस्म जिसमें चौगर्दी फलियां पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 351 जहां दिखे वहां टिक लगा देना, RT 381 में चौगर्दी फलियां पाई जाती हैं। अनाज की कौन सी फसल के दानों में सबसे अधिक मात्रा में वसा पाई जाती है, सबसे ज्यादा फेट पाई जाती है बाजरे में, यह ध्यान रखना सबसे ज्यादा फेट बाजरे में, प्रोटीन गेहूं में पाई जाएगी। सरसों की खली का अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण उसमें पाया जाने वाला विशेष तत्व बताना है आपके, सिनर्जिन, सिनिग्रीन, कैरोटीनोइड्स या सेलेनियम या मैग्नीशियम। देखिएगा सरसों की खली जो होती है खाने में आपके क्या होती है, अस्वादिष्ट होती है, इसका कारण आपका बताना है कि क्या, तो उसमें विशेष प्रकार का एल्कलॉइड्स आपका जिसको कह सकते हैं सिनिग्रीन पाया जाता है, इस सिनिग्रीन के कारण सरसों की खली क्या होती है खाने में, अस्वादिष्ट होती है, ध्यान रखना आपको। शरबती सोनारा, सोनारा 64 को उपचारित करके उत्पन्न किया गया था, कौन सी रेज का डेवलप यहां पर यूज किया गया, शरबती सोनारा, सोनारा 64 को उपचारित करके उत्पन्न किया गया था, तो किसको उपचारित करके, गामा रेज का प्रयोग करके आपके इसको डेवलप किया गया। राष्ट्रीय जैविक खेती, ध्यान रखना इसे आप कह सकते हैं NCOF, आजकल इसका नाम नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग हो गया है, ये ध्यान रखना, ये नाम में परिवर्तन मार्च 2022 में इसका नाम परिवर्तन हुआ था, तो ये आपके कहां है, गाजियाबाद में है, ये अस्तित्व में कब आया था, 2004 में, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पूर्ण रूप से सिक्किम में राजस्थान के डूंगरपुर की बात करते हैं, ये ध्यान रखना है। NCOF का नाम बदल करके आजकल क्या कर दिया गया, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। शिमला मिर्च की संकर किस्मों की बीज दर कितनी होती है, तो हाइब्रिड है तो आपकी पाव भर खूब है बीज, ये ध्यान रखना, इसमें पाव भर बीज खूब है।
स्पंजी उत्तक विकार से आम की किस किस्म का निर्यात बाधित होता है? स्पंजी टिश्यू की समस्या सबसे ज्यादा आम के निर्यातक वैरायटी अल्फांसो जो कि महाराष्ट्र में आपके होती है। केसर आपके कहां की किस्म है? केसर जीआई टैग प्राप्त गुजरात की किस्म है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सहायता से राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEG की शुरुआत की? ICAR का करंट का क्वेश्चन है मेरे प्यारे, अच्छे से याद रखना। द नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP वाज लॉन्च्ड बाय ICAR न्यू दिल्ली थ्रू द सपोर्ट ऑफ विश्व बैंक, भारत सरकार, विश्व बैंक और भारत सरकार। तो विश्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से चलाया गया ये एक विशेष प्रोग्राम है। भारत में PKVY योजना किस वर्ष प्रारंभ, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब होती है? तो PKVY की शुरुआत 2015 में होती है, 15 से 18। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां? करनाल में। देखो आपके NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज आपको कहां दिखेगा? करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में बहुत सारी संस्थान आपको नजर आएगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बिल्कुल इनू जी, ठीक है। पेक्टिनोफोरा गोसीपायला एक शत्रु कीट है। पेक्टिनोफोरा गोसीपायला आपको पता है तो इसके प्रति रेसिस्टेंस पावर डेवलप करने के लिए बीटी कॉटन का डेवलप किया गया, बीटी कॉटन को विकसित किया गया। किसकी है? कपास में, ये ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस और हैं। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो आपके किसके द्वारा होगी? एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा उत्पन्न होती है। नीली क्रांति का संबंध किसके साथ है? मत्स्य के साथ है। बैंगनी क्रांति का लेवेंडर के साथ है। मीठी क्रांति का संबंध शहद के साथ है। भारत में शुष्क खेती की जोत है लगभग लगभग 67% के आसपास हमारे यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ध्यान रख, किसके आसपास? 67 के आसपास आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो नजदीक है क्वेश्चंस के। बीटी जीन के कपास के पौधे में स्थानांतरण से उत्पन्न कपास को क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक कपास कहा जाता है। ठीक है, जीएम क्रॉप कह सकते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप कह सकते हैं। पीली क्रांति का संबंध किसके है? दलहन के साथ है, यह ध्यान रखना आपको। कृषि यंत्रों के MSP की घोषणा करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है। MSP 23 फसलों पर दिया जाता है। MSP की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की जाती है। MSP का कैलकुलेशन आपके कौन करता है? साइंटिफिक ब्रेन, बिल्कुल, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR नई दिल्ली में है। MSP की मूल्य की घोषणा भारत सरकार करता है। तो देखो भारत सरकार कहीं पर है क्या? भारत सरकार तो नहीं है, फिर आप क्या करोगे? कृषि मूल्य आयोग करोगे, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन करोगे, ये ध्यान रखना आप। प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है, तो नीचे ही नीचे का बीज है, जस्ट उसके ऊपर आधार बीज से उत्पन्न किया जाता है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज के टैग का रंग कैसा होता है? ठीक है, क्या कर दिया? अच्छा, अरे ठीक है, थोड़ा देख लिया करो भैया ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं तो फिर कई बार टिक जो है दूसरी जगह लग जाता है। ये प्रोटीन ग्रांति है, ठीक है भाई। डी तिलन, बस ऐसा थोड़ा सा बीच में ध्यान कर लेना भाई, थोड़ा सा कई बार क्या है जो है दूसरे क्वेश्चन पर लग जाता है क्योंकि स्पीड ज्यादा है अपनी। हो गया आधार बीज। मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? बलुई, बलुई दोमट, चिकनी दोमट या बलुई और चिकनी दोमट। आपके मूंगफली की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मृदा है आपको ये बताना है, ठीक है, आपको ये बताना। तो कौन सी है? तो हमारे चिकनी, आपके जो मूंगफली की खेती विशेष रूप से आपके देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान, राजस्थान में आपके बीकानेर और जोधपुर और जयपुर। सैंडीलोम बलुई दोमट, क्योंकि इसमें पेगिंग के लिए आपकी मिट्टी हल्की वो होनी चाहिए। भारत की मुख्य तिलहनी फसल विश्व की सोयाबीन है, भारत की आपके मूंगफली है, राजस्थान की सरसों। ये रहा मूंगफली, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली में बीज रहित फली किसकी अल्पता, यानी कि पोपिंग, पोपिंग किसकी वजह से होती है? कैल्शियम की वजह से होती है, पोपिंग कैल्शियम की वजह से। भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है? तो सबसे ज्यादा भारत में चना उगाया जाता है, यह ध्यान रखना आपको। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान में खरीफ मौसम में सर्वाधिक क्षेत्र वाली फसल, राजस्थान में खरीफ मौसम में, तो रबी में कौन सी है? राजस्थान में रबी में तो गेहूं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में खरीफ मौसम में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है? तो कौन सी है? खरीफ में बाजरा।
वह फसल जिसे दलहनी और तिलहनी दोनों रूप में शामिल किया जाता है तो सोयाबीन है। फलों से जेली बनाने का मुख्य तत्व कौन सा होता है? पेक्टिन होता है। टमाटर के पत्ती सिकुड़न रोग का कारण क्या है? जो आपके लिटिल लीफ जो आपके होती है पत्तियां सिकुड़ती है उसका कारण क्या है? तो आपके वायरस होता है, वायरस के द्वारा पत्तियां सिकुड़ती है। सोडिक सोइल सोडी आपके सोडियम मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो सोडिक सोइल यानी क्षारीय मृदा को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? कैल्शियम मिलाकर के उसे सुधारा जा सकता है, पीएच को डाउन किया जाएगा। रतौंधी का संबंध किसके साथ है? विटामिन ए के साथ है। डिस्कवरी का संबंध किसके साथ है? विटामिन सी के साथ है। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड एनडीडीबी आनंद गुजरात में है। भारतीय कृषि अनुसंधान आईसीएआर का कार्यालय कहां? नई दिल्ली में है। निम्न में से मैक्रोनी वीट, एक होता है मैक्सिकन वीट, एक होता है मैक्रोनी वीट। ड्यूरम को कहा जाता है टीटीकम, ड्यूरम को मैक्रोनी वीट कहा जाता है, यह ध्यान रखना आपको। क्या कहा जाता है? मैक्रोनी वीट, यह ध्यान रखना आपको। भाई स्पीड क्या है अपनी? बिल्कुल आप समझ सकते हैं भाई, स्पीड ज्यादा है कुछ समझ सकते हैं, कारण भी अपने होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहां देखिएगा, निम्न फसलों को कम से अधिक प्रोटीन की ओर व्यवस्थित करो। तो कम से प्रोटीन, सबसे कम प्रोटीन चावल में पाई जाती है, चावल में सी, तो सी सबसे पहले। फिर देखिएगा चावल के बाद गेहूं है ए, फिर आपके देखो मूंगफली, फिर आपके क्या होगा बी, और फिर होगा आपके प्रोटीन ही पूछा ना डी। देखो चावल, सोयाबीन में प्रोटीन 42, इसमें पाई जाती है आपके जिसको कह सकते हैं 26, तो सी, सी के बाद ए, ए के बाद आपका बी, और बी के बाद डी, कम से ज्यादा के अनुसार। अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई, क्वेश्चन अच्छा पूछा। अगला देखो, एग्री सिल्वी कल्चर, एग्री का मतलब होता है फसल और सिल्वी का मतलब होता है पशु प्लस चारागाह। सिल्वर का मतलब होता है आपके सिल्वी कल्चर, जो आपके विशेष रूप से जिसको पास्चुरल नहीं, सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर में पेड़ आते हैं, पशु के लिए क्या आता है पास्चुरल आता है, यह ध्यान रखा पास्चुरल। तो आपके यहां फसल और वृक्ष के लिए डी इसका राइट आंसर हो जाता है, यह ध्यान रखना। ठीक है, इसका भी डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी गैर खाद्य कली है? कोकोनट इडिबल है, ये इडिबल है, ये इडिबल है, अरंडी, कास्टर केक्स नॉन इडिबल है, ध्यान रखना आपको। इंदु जी डी आएगा उसमें, थोड़ा देखो। ठीक है इंदु जी, पौधों में तांबे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो देखो आपके कॉपर की डाइबैक जो होती है नींबू में, कॉपर की वजह से होती है। जिंक होता है जेडन की कमी से, विप्टेल होता है मोलिब्डेनम की कमी से, अर्ली ब्लाइट का तो कोई संबंध ही नहीं है। जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं को सुधारे तो किया जाता है? क्षारीय मृदाओं के अम्लीय को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? नोरिन 10। और आप सभी के सहयोग से हम अपने तीसरे शतक पर पहुंच गए हैं। निम्न में से कौन सा रोग बाजरा बीज उत्पादन में आपत्तिजनक रोग के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान है विल्ट का संबंध बाजरे से नहीं है, ब्लाइट का नहीं है, बाजरे में होती है अर्घट रोग, चेपा रोग, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मेसिस, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। GO2 ग्रो आउट टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी, जर्मिनेशन या वायबिलिटी के लिए किया जाता है ग्रो आउट टेस्ट। तो ग्रो आउट टेस्ट के माध्यम से हम किसी भी सीड की जेनेटिक प्योरिटी को देख सकते हैं, उसके करेक्टर्स को देख सकते हैं। बिल्कुल चंद्रिका जी ठीक है, ग्रो आउट टेस्ट का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, जेनेटिक प्योरिटी के लिए किया जाता है, यह ध्यान रखना आपको। GNG 21 इगेतर किसकी किस्म है? GNG गुजरात ग्राउंडनट मूंगफली की किस्म है, यह ध्यान रखना। GNG जेनेटिक प्योरिटी के लिए किया जाता है भाई। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो नोरियो तानुगुची ने आपके किसका प्रयोग किया? नैनो टेक्नोलॉजी का। सहसंबंध गुणांक एक इकाई मुक्त माप है जिसकी रेंज होती है? कल फूड सेफ्टी ऑफिसर के पेपर में यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यह ध्यान रखना। फूड सेफ्टी ऑफिसर के पेपर में यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। पहले भी आ चुका है, ये कई बार इसकी कॉपी हुई है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, सहसंबंध गुणांक एक इकाई मुक्त माप है किसका? -1 से लेकर के +1 का, ये ध्यान रखना आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
कल फूड सेफ्टी ऑफिसर के पेपर में देखने को मिल सकता है। भारत में निर्मित नैनो यूरिया कणों की भौतिक आकार सीमा एनएम नैनोमीटर में कितनी है? 1 से 20, 20 से 50, 50 से 100 या 100 से 200 नैनोमीटर। तो जो नैनो यूरिया आपके जो निर्मित होता है उसकी रेंज जो होती है 20 से लेकर के 50 नैनोमीटर। धनिया के सूखे बीजों में एसेंशियल ऑयल पाया जाता है, तो ध्यान रखना धनिया के बीजों में, ये तो जीरे में पाया जाता है, धनिया के बीजों में पाया जाता है 0.1 से लेकर के 1%। अगला क्वेश्चन, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी है? POI, P फॉर प्राइड ऑफ इंडिया, P फॉर पत्ता गोभी, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। पूसा मधुरस, नाम से ही पता लग रहा है कि किसकी किस्म हो सकती है मधुरस। देखिएगा जो मधु है वो रस है, और मधु और रस किसकी है? खरबूजे की वैरायटी है, ये ध्यान रखना आपको। पूसा मधुरस किसकी किस्म है? खरबूजे की किस्म है, ये ध्यान रखना है आपको। पूसा ऑल ग्रीन किसकी किस्म है? पूसा ऑल ग्रीन अगर पता देखेंगे तो आपके एमरेंथस, पालक, मेथी और लेट्यूस, तो पालक की किस्म है, ये ध्यान रखना। जोबनेर ग्रीन का ध्यान रखना, पूसा ऑल ग्रीन पालक की किस्म। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? सीन के कारण, आपके सीसी की आवाज, सीन में मिर्च का तीखापन और थीन में लाल रंग। पैकेजिंग में इथाइलिन के अवशोषण का प्रमुख उदाहरण, पैकेजिंग में इथाइलिन, तो अवशोषक पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है? KMnO4 पैकेजिंग में आपके जो आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना आपको। पैकेजिंग में क्या देखने को मिलेगा? तो पैकेजिंग में आपको KMnO4 आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्या एक किस्म है, सूर्या किसकी किस्म है आपको बताना, तो सूर्या किसकी है? पपीते की किस्म है। CA भंडारण, कोल्ड जिसको कह सकते हैं आपके, जो कोल्ड स्टोरेज हमारे होते हैं, CA भंडारण किस पद्धति पर आधारित होते हैं आपके? तो बताइएगा, ऑक्सीजन की अधिकता, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, ऑक्सीजन को कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिकता, सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। तो यह ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारे भंडारण होते हैं वो किस बेस पर काम करते हैं? देखिएगा, ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जाता है, तो ऑक्सीजन को कंट्रोल करेगा तो CO2 की मात्रा बढ़ती है, ये ध्यान रखना आपको। तैयार जेब में अपघटित शर्करा की मात्रा खालिस्तान प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, एक क्वेश्चन था जिसमें 30 से 49 दे रखा था, और यहां पर अब पूछ लिया कि किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोसेसिंग के उपरांत डब्बों को तेजी से ठंडा किया जाता है, तो ध्यान रखना, अगर फ्रूट होता है तो उसे 100 डिग्री पर गर्म करके 139 पर, सिर्फ 39 पर ठंडा किया जाता है। सब्जियां होती है तो 116 से 121 पर गर्म करके उसे 100 मात्र सिर्फ 39 पर कम किया जाता है। 20 का राइट आंसर है, ठीक है भाई। तो देखो इसका राइट आंसर, 40% से रिवर्स शुगर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगले कुछ क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन, सेपोनिन आपका विशेष प्रकार का, जिसको कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का पिगमेंट है। सेपोनिन आपको बताना है कि सेपोनिन आपके कहां, तो सेपोनिन अगर आप देखोगे तो कहां दिखाई देगा? सेपोनिन क्लोरोफाइटम बोरिविलियनम, इसे द्वितीय आपके सफेद मूसली कहा जाता है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। श्री गणेश करना है, तो श्री गणेश निम्न में से किसका संकर है, किसकी एक वैरायटी है? श्री गणेश आपको एक वैरायटी बतानी है कि किसकी है, तो श्री गणेश ध्यान रखना, गैसे गणेश और गैसे ग्लेडियोलस, तो ध्यान रखना श्री गणेश किसकी है? ग्लेडियोलस की है, ये ध्यान रखना। अब तो हम एंड की तरफ है। 2017-18 के अनुसार उद्यानिकी फसलों का उत्पादन, तो ध्यान रखना इस समय हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो उत्पादन है लगभग लगभग देखिएगा टारगेट हमारा 342 मिलियन टन के आसपास है, और लगभग इसका आपको ये मान के चलिएगा कि 332 मिलियन टन के आसपास आपको उत्पादन दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको भाई। आपको करवाया हुआ है ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, करवाया हुआ क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में इंदु जी, वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? 342 334, हाँ बिल्कुल मैंने करवा दिया, 334-332 के आसपास मैंने बताया। तो वन संरक्षण अधिनियम आपके संरक्षित हुआ, ये स्वीकृत हुआ तो 1980 में। वानिकी की वह शाखा जिसमें विभिन्न आयामों को ज्ञात किया जाता है, एग्रोबायोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, आपके सिल्वीकल्चर या फॉरेस्ट मैंचुरेशन,
342 टारगेट है, ध्यान रखना 342 टारगेट है, इस चीज का ध्यान रखना। तो फॉरेस्ट मैंचुरेशन आपके क्या कह देते हैं, वानिकी के वैसा का जिसमें विभिन्न आयामों को ज्ञात किया जाता है। प्रीमियम के रूप में सभी खरीफ फसलों के लिए बीमा योजना, तो खरीफ में 2% होता है, रबी में 1.5% और बाकी में 1%। लघु और मध्यम अवधि के ऋण आपूर्ति के संदर्भ में सहकारी बैंकों की राजस्थान राज्य में संरचना क्या है, त्रिस्तरीय है, द्विस्तरीय है, या आपके एकल स्तरीय या चार स्तरीय, आपको बताना है कि ये कौन सी किस बॉडी के ऊपर किस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर है। तो हमारे यहां पर क्या है, त्रिस्तरीय है, ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर जीएसएस है, फिर आपके इसको कह सकते हैं आपके आगे और दिखाई देगा एपेक्स बॉडी के रूप में सेंट्रल में, हमारे यहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की तरह ही हमारे यहां पर क्या है, जो राजस्थान में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्ट्रक्चर है त्रिस्तरीय है। कृषि विपणन सलाहकार, कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार द्वारा पद्धत मानकों के आधार पर ग्रेडेड कृषि उत्पादों पर लेबल लगाता है, तो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये, ध्यान रखना आपको। तो क्या है, एगमार्क आपको दिखाई देगा, हॉलमार्क नहीं लगता है, एग्रीकल्चर के उत्पादों पर क्या लगता है, एगमार्क लगता है, ये ध्यान रखना। अरहर को आमतौर पर क्या कहा जाता है, अरहर को तूर कहते हैं, कैंडालू कहते हैं, रेड ग्राम कहते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द को कहते हैं, बंगाल ग्राम चने को कहते हैं, हॉर्स ग्राम कुल्थी को कहा जाता है। ब्लैक ग्राम उड़द याद करके जाना, बंगाल ग्राम चने को कहा जाता है, और हॉर्स ग्राम किसे कहते हैं, कुल्थी को कहते हैं, कुल्थी। शुगर 75 एक महत्वपूर्ण किस्म है, शुगर 75 एक महत्वपूर्ण किस्म है आपको 1937, ठीक है, शुगर 75 एक किस्म बताने है, किसकी है, तो ध्यान रखना नाम ही शुगर है तो किसकी होगी, स्वीट कॉर्न की, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, नाम ही शुगर है तो शुगर किसकी होगी, स्वीट कॉर्न की। राजस्थान में जीरे की बुआई के लिए इष्टतम बीज दर कितनी होती है, 12 से 15 kg होती है, हरी आपके गुजरात में 16 से 20 होती है, राजस्थान में 12 से 15 kg जीरे की सीड रेट है। अर्का रक्षक किसकी है, जो रक्षा करेगा, ध्यान रखना रक्षा वही करता है जो सम्राट होता है, अर्का रक्षक और अर्का सम्राट दोनों की दोनों टमाटर की है, ध्यान रखना। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, भावी खाद्य सुरक्षा अधिकारी याद रखना मेरे प्यारे, अर्का रक्षक और अर्का सम्राट दोनों टमाटर की है। अर्का लोहित किसकी है, तो अर्का लोहित बतानी, अब अर्का लोहित किसकी है, तो ध्यान रखना अर्का लोहित जो किस्म है वो मिर्च की होती है। बोल्टिंग किस में होता है, तो बोल्टिंग प्याज में होता है, ये ध्यान रखना आपको। ग्रेन्युलेशन की समस्या किस में पाई जाती है, नींबू वर्गीय फसलों में ग्रेन्युलेशन की समस्या पाई जाती है। टीकड़ी किस फसल की एक किस्म है, टीकड़ी बेर की किस्म होती है। जेली तैयार करने के लिए फल में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण घटक होता है, पेक्टिन होता है। भारत में खजूर के तुड़ाई की कौन सी अवस्था है, तो आपके डोका अवस्था पर तोड़ा जाता है ताकि उसमें क्या नहीं पड़े, खलल नहीं पड़े। किरण जी खाना खा करके वापस आ गए, बिल्कुल बहुत बढ़िया भैया, आपने खाना खाकर क्लास को अटेंड किया है किरण जी। अब यहां देखिएगा, भारत में खजूर के तुड़ाई की कौन सी अवस्था जो है आपके, तो डोका, खलल अवस्था पर आपके इसे तोड़ा जाता। अगला क्वेश्चन, एपीएमआरए के तहत कृषि उत्पादों की खरीद का या बिक्री की जाती है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अंडर एपमारा बाजार क्षेत्र, बाजार यार्ड या बाजार सब यार्ड या उपरोक्त सभी, तो ध्यान रखना यहां पर क्या है, उपरोक्त सभी याद रखना। आपके एपीएमआरआ के तहत आपके जो तोड़ी जाती है, आपके सॉरी खरीदी जाती है, वो आपके बाजार सब यार्ड सब जगह से। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान नहीं है, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, सरकारी क्षेत्र, एफसीआई, एनडीडीबी, सीएसीपी या नाफेड, इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, तो एफसीआई सरकारी है, एनडीडीबी भी सरकारी है, ये भी, तो नाफेड क्या है आपके, इसको कह सकते हैं यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान नाफेड, ये ध्यान रखना है आपको। मीठी नारंगी, बोटनिकल नेम ऑफ स्वीट ऑरेंज, आपको स्वीट ऑरेंज का क्या बताना है, बोटनिकल, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, स्वीट ऑरेंज का आपके बोटनिकल नाम बताना है, तो स्वीट का सह से स्वीट और सह से सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है। ओरेंटिफोलिया नींबू का रेटिकुलेटा आपके माल्टा में दिखेगा, ये ध्यान रखना आपको। स्पार्कलिंग साफ रस के रूप में जाना जाता है, स्पार्कलिंग साफ रस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, स्पार्कलिंग जो है वो साफ रस के रूप में जाना जाता है। अरे भाई सीएसीपी ध्यान रखना सरकार का है, सीएससीपी आपके केंद्र कृषि मंत्रालय के अधीन आता है सीएसीपी,
नाफेड़ क्या होता है? मिक्स है, यह ध्यान रखना नाफेड़ में आपको यहां पर बताना है। स्पार्कलिंग जो होता है साफ रस के रूप में जाना जाता है, आरटीएस, नेक्टर और कॉर्डियल। कार्डियल में आपको पता है सिर्फ फल रस का प्रयोग किया जाता है, फल गुदा यूज नहीं होता है। जब दो चर्राशी स्वतंत्र हो तो उनके बीच का सह संबंध होता है। देखिएगा आरपीएससी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। क्या है? जीरो, एक बार पहले भी आया था, ध्यान रखना। जब दो चर राशि स्वतंत्र होते तो उनके बीच का कोरिलेशन होगा, कोरिलेशन इज ऑलवेज जीरो। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। यदि माध्य पांच और प्रसरण नौ है तो भिन्नता गुणांक कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा, ये बताना है आपको, ठीक है? तो कोफिशियंट वेरिएशन कितना होता है निकाल लेना, 60% आपका कोफिशियंट वेरिएंट होगा, ये ध्यान रखना। यदि समांतर माध्य 48 है और माध्यिका 47 है तो बहुलक क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपके काम करता है। सर ने निश्चित रूप से बताया होगा, मैंने यहां ये क्वेश्चन इसलिए डाल दिए क्योंकि ये आरपीएससी की एग्जाम में पूछे गए थे मेरे प्यारे, ये ध्यान रखना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 48 और 47 यानी कि 45 होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? संख्या 0, 2, 4 का हरात्मक माध्य कितना होता है, तो हरात्मक माध्य इसका 0 होगा, ये ध्यान रखना है आपको, निकाल लेना, चेक कर लेना जरूर, ये ध्यान रखना। बीटी कपास को क्या कहा जाता है, बीटी कपास को ट्रांसजेनिक क्रॉप कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिएगा। उन्नत बीज उत्पादन के लिए योजना 2017-18 में शुरू की गई, बिल्कुल 2017-18 में शुरू की गई, 2016 में इसका स्ट्रक्चर बन चुका था। 17-18 ऑप्शन नहीं हो तो फिर 16 कर देंगे। योजना के अंतर्गत 30 से 35 कृषकों का चयन कर 50 से 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बीज उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर कृषि खंडों में की गई थी। यह एक ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, गेहूं, जौ, चना की 10 से कम अवधि की किस्मों के बीज का उत्पादन का कार्यक्रम, ठीक है। यानी कि सारी की सारी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के संबंध में सभी के सभी कथन सत्य है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कहां चलती है, तो राजस्थान में चलती है, ये ध्यान रखना। फूड सेफ्टी ऑफिसर के विद्यार्थियों को बता दूं मैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है, महंगाई राहत शिविर कैंप का अध्ययन करके जाना, ध्यान रखना मेरे प्यारे, महंगाई राहत शिविर कैंप जरूर पढ़ करके जाना। इस महंगाई राहत शिविर कैंप में कुल 10 योजनाओं का पंजीकरण होता है और इन 10 योजनाओं को ऐसे पढ़ करके जाना जैसे पानी में चीनी घोल करके पी जाते हैं, चाय में चीनी घोलकर जैसे पी जाते हैं वैसे पी करके चले जाना। अभी कुछ समय बचा हुआ है, महंगाई राहत शिविर का अध्ययन करके जाना, 10 योजना है उसमें। अगर 10 की 10 योजना आप अच्छे से देख करके चले गए तो मैं कह रहा हूं कल पुनः मिलूंगा आपके आपके पास में आकर के, ये ध्यान रखना है, पुनः मिलूंगा आपके साथ में और उनमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महंगाई राहत शिविर कैंप याद रखना, महंगाई राहत शिविर कैंप ये ध्यान रखना है। कल एग्जाम के बाद पुनः मिलूंगा आपके साथ। पौधे की वृद्धि और विकास के लिए कौन सा प्रकाश सबसे अनुकूल है, तो ध्यान रखना पौधों के वृद्धि और विकास के लिए कौन सा आपको ध्यान रखना है, रंग जो है आपका बताना है, तो लाल रंग हमेशा, ये ध्यान रखना है भाई, देख करके चले जाना। महंगाई राहत शिविर कैंप 24 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक चल रहा है और आपकी 27 जून को कल एग्जाम है। महंगाई राहत शिविर कैंप में 10 योजना है, 10 की 10 योजनाओं को पढ़ करके चले जाना। फिर कहोगे कि सर आपने बताया था हम पढ़ करके नहीं गए, पनीर बनाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो पनीर कब बनता है, दूध के फटने से पनीर बनता है, ये ध्यान रखना है। ICAR राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहां है, करनाल में है। बीटी कपास क्या है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है, ये ध्यान रखना है। और बीटी कपास के साथ साथ आप ध्यान रखना मेरे प्यारे, कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड, DMH11 जो आपके धारा 11 मस्टर्ड है उसको याद रखना। जेली तैयार करने के लिए फलों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जेली में पेक्टिन होता है,
और हम बहुत नजदीक आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर है? एजिटोबैक्टर एक बायो फर्टिलाइजर है, और जलीय फर्न एजोला का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जलीय फर्न का प्रयोग आप एजोला का प्रयोग धान में करते हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन आपके, ये ध्यान रखना स्क्रीन पर, पानी का उपभोग पानी की वह मात्रा है जिसमें आपके क्या दिखाई देगा, जिसमें सब कुछ आपके लॉस जो है आपका दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। यानी कि इसमें वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, पौधों की मेटाबोलिक क्रियाएं सारा इसमें आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों के संयोग से हमने जिसको कहा जाए तो क्या देखा है, हमने आपके पूरे के पूरे जो है वो क्वेश्चन देखे हैं, जिसको कहा जाए तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आरपीएससी की प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम्स आपके हुई उसमें हमने आपके कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जिसको कह सकते हैं अच्छे से देख करके निश्चित रूप से जाना। हमारा जो स्नेह, हमारा जो आपके साथ लगाव आपका, हमारा जिसको कह सकते हैं ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एग्जाम 2023। आपको एक बार पुनः बता दूं, एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जानी है, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जानी है, एक प्रिंटेड ई एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, आईडी प्रूफ के रूप में कोई भी आईडी प्रूफ, विशेष रूप से मेरी सलाह है कि आधार कार्ड अगर हो तो आधार कार्ड ओरिजिनल साथ लेकर के जाना है, ट्रांसपेरेंट ब्लू बॉल पेन आपको साथ लेकर के जाना है, ट्रांसपेरेंट ब्लू बॉल पेन आपको लेकर के जाना है, एंट्री विल बी गिवन ओनली 1 आवर्स बिफोर एग्जाम। सभी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थी 9 बजे से पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाए, यानी कि 8:45 पर आप अपने सेंटर पर पहुंच जाए। जिन विद्यार्थियों का सेंटर दूर है वो समय पर निकले, अपने व्यक्तिगत व्हीकल से या जैसे भी निकलना हो समय पर निकल जाए, क्योंकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, कहीं बरसात भी हो सकती है, कहीं और भी समस्याएं आ सकती है, तो समय पर निकले। हमारी उत्कर्ष परिवार की आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। उत्कर्ष परिवार ने आपके जिस दिन से ये वैकेंसी आई थी तब से लेकर के आज तक आप लोगों का हाथ थामे रखा है, निश्चित रूप से आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। कल आपका वो समय है जो आपको कुछ करके दिखाना है, तो निश्चित रूप से आप सभी ने अच्छे से मेहनत की होगी। ध्यान रखना अब वो वक्त आ गया है कि उस वक्त में आपको अच्छे से पेशेंस के साथ क्वेश्चंस करने हैं, नेगेटिव मार्किंग से बचे। कोई भी विद्यार्थी पेपर को देखते ही महसूस कर सकता है कि पेपर टफ होगा या इजी, उसको जरूर देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और कल जिसका एग्जाम सेंटर जालोरी गेट के आसपास रहेगा उस सेंटर पर मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के साथ रूबरू होने के लिए भी वहां पर आपके साथ रहूंगा, जोधपुर में, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार है। सभी विद्यार्थी एफएसओ के जो जुड़े हुए हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।